चलिए बेटा, सभी को नमस्कार। आप आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक 11th क्लास का स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसको हम बिहेवियर ऑफ गैसेस भी बोलते हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक एक पॉइंट को बहुत आराम से और बहुत धीरे धीरे समझिएगा। बहुत ही इजी चैप्टर है, इजीली एक क्वेश्चन कम से कम नीट के अंदर इसका सिंगल क्वेश्चन बेटा डेफिनेटली आता है। एक क्वेश्चन नीट के अंदर डेफिनेटली आता है, नीट के अंदर वन क्वेश्चन इससे डेफिनेटली आता ही आता है बेटा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसको बिहेवियर ऑफ गैसेस BOG भी बोला जाता है, बिहेवियर ऑफ गैसेस, ठीक है। चलिए अपन फर्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। हमें तीन स्टेट्स दिखाई हुई है इस पूरे चैप्टर के अंदर। मैं गैसियस को बहुत ज्यादा डिस्कस करूंगा, सॉलिड और लिक्विड के लिए अलग से सॉलिड स्टेट और लिक्विड सॉल्यूशन हम पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखिए, हमें दो बातें यहां पर लिखी हुई है सॉलिड लिक्विड और गैस के लिए। एक तो लिखा हुआ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और एक लिखा हुआ थर्मल एनर्जी। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, दो मॉलिक्यूल्स को आपस में रखने के लिए जो फोर्स की नीड पड़ती है उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और थर्मल एनर्जी क्या है, जो एनर्जी क्या लिखा हुआ है, एनर्जी ऑफ बॉडी अराइजिंग ड्यू टू द मोशन ऑफ द एटम्स। एटम्स और मॉलिक्यूल के मोशन से जो बॉडी में एनर्जी अराइज होती है उसको हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी। और इसी का नाम है बेटा एवरेज काइनेटिक एनर्जी विच इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करूं तो देखो सॉलिड का मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा पास पास होता है तो डेफिनेटली सॉलिड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज्यादा होंगे, और गैस में मॉलिक्यूल दूर दूर होता है तो सबसे कम होंगे। लिक्विड इनके बीच में आएगा इंटरमीडिएट की तरह, तो सॉलिड में सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड में, देन गैस में। ये तो हो गई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात। दूसरा हम आते हैं थर्मल एनर्जी पर। थर्मल एनर्जी की बात करूं तो बॉडी में मोशन की वजह से जो एनर्जी अराइज हो रही है तो सबसे ज्यादा मोशन किस में होगा, सबसे कम फोर्सेज जिसके अंदर होंगे उसी में सबसे ज्यादा मोशन होगा। तो गैस के अंदर मोशन सबसे ज्यादा है तो थर्मल एनर्जी भी सबसे ज्यादा, और सॉलिड में सबसे कम, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने लिखा हुआ है केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। जैसे भैया H2O के मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं तो H2O गैस की बेटा हम अगर बात करें, या H2O सॉलिड या लिक्विड की बात करें, तो H2O में हमेशा आप देखो यहाँ पर 2:1 का रेशो है, मतलब हाइड्रोजन के 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल, इसका एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। और दूसरा है बेटा फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट तो आप समझ ही रहे हो, फिजिकल स्टेट पे डिपेंड क्या करती है, रेट ऑफ रिएक्शन। फिजिकल स्टेट अगर सॉलिड होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ज्यादा है। तो H2O की तीन फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसको हम बखूबी जानते हैं, ठीक है बेटा। तो सॉलिड के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम होगी, गैस के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होगी, क्लियर। तो ये दो बेसिक सी बातें हैं, ये दोनों हमें बातें समझ में आ गई। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड में सबसे ज्यादा, गैस में सबसे कम, थर्मल एनर्जी गैस की सबसे ज्यादा और सॉलिड की सबसे कम। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़िए फटाफट से। गैस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं कि क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। देखिए बेटा, गैस का मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा दूर दूर होता है तो इट शुड बी हाईली कंप्रेसिबल, पहला पॉइंट है, इसको आप बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, गैसेज एग्जर्ट दिस प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। एक गैस का जो मॉलिक्यूल है वो सभी डायरेक्शन में क्या करता है बेटा, इक्वल प्रेशर लगाता है, क्या करता है, इक्वल प्रेशर एग्जर्ट करता है। अगले पॉइंट पर आ जाइए, गैसेज हैविंग द मच लोअर डेंसिटी देन द सॉलिड एंड लिक्विड। गैस की जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में डेफिनेटली बहुत कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पर आ जाइए, द वॉल्यूम एंड शेप ऑफ द गैसेज आर नॉट फिक्स। वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, शेप भी फिक्स नहीं है। These assume the volume and shape of the container. गैस का जो मॉलिक्यूल है बेटा वो जो कंटेनर का वॉल्यूम या शेप होता है उसी को अज्यूम कर लेता है। अगला, गैसेस आर मिक्स इवनली एंड कंप्लीटली इन ऑल प्रपोर्शन विदाउट एनी मैकेनिकल हेल्प। बिना किसी मैकेनिकल हेल्प के हम दो गैसेस को पूरा कंप्लीटली इक्वल प्रपोर्शन में मिक्स करा सकते हैं, ठीक है बेटा, कंप्लीटली इन इवनली पूरी तरीके से इसको हम मिक्स करा सकते हैं। चलिए गैस लॉस पर चलते हैं। गैस लॉस में हमें पहला लॉ क्या दिया हुआ है, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ डील करता है बेटा कांस्टेंट टेम्परेचर पर, किस पर डील करता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर डील करता है बेटा, किस पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। टी यहां पर कांस्टेंट होना चाहिए, क्लियर। कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम बोलते हैं फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। फिक्स्ड अमाउंट में हमने यहां पर डील किसको किया हुआ है, मोल को। मोल भी क्या रहने चाहिए, कांस्टेंट रहने चाहिए। मोल भी आपके क्या रहने चाहिए बेटा, कांस्टेंट रहने चाहिए। तो प्रेशर जो होगा वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इस तरीके से प्रेशर जो होगा वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ऐसा हमें कौन बताता है, बॉयल्स का लॉ बताता है। मतलब आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम और वॉल्यूम घटाओगे तो प्रेशर ज्यादा। देखो आप यहां पर हम प्रेशर लगा रहे हैं तो देखो यहां पर वॉल्यूम इतना है,
देखिए भैया आप ध्यान से, यहां पर अगर आप वॉल्यूम की बात करो बेटा, तो ये वॉल्यूम है ना, ये आपका वॉल्यूम है, ये रहा यहां तक, और यहां पर वॉल्यूम कितना हो गया, ये इतना, तो वॉल्यूम में चेंज आ गया, यहां पर वॉल्यूम और यहां पर वॉल्यूम, जैसे ही हमने प्रेशर को बढ़ाया वॉल्यूम क्या हो गया कम, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहां से एक रिलेशन हमारे पास आता है, P इज इक्वल टू के बाई वी, इसका मतलब PV इक्वल टू क्या, K, और K मतलब क्या, कॉन्स्टेंट, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये बॉयल्स के लॉ से हमारे पास रिलेशन आ जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़िए, तो यहां पर हम ये वाली इक्वेशन लिख सकते हैं, जब आप बोलोगे कि सर PV इक्वल टू K है, मतलब PV P इंटू वी का मल्टीप्लीकेशन कॉन्स्टेंट है, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि P1V1 बराबर P2V2 के होगा दो डिफरेंट स्टेजेस पर, P1V1 पहली स्टेज पर, P2V2 दूसरी स्टेज पर, तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब यहां पर इस फॉर्मूले को लगाने से पहले हमें थोड़ा यूनिट्स का ज्ञान होना चाहिए भाई, यूनिट्स का ज्ञान है तो आप इस फॉर्मूले को इजीली अप्लाई करोगे। तो यूनिट फटाफट से देख लीजिए, 1 atm प्रेशर की सबसे बड़ी यूनिट है बेटा, यहां पर ये 760 mm of Hg, 76 cm of Hg, 1.01325 bar, bar और atm में ज्यादा फर्क नहीं है। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो 1 atm है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 1 बार के, ज्यादा फर्क नहीं है, ये हम बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 atm और 1 बार बिल्कुल इक्वल है, 760 टोर और 10^5 पास्कल, पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए वॉल्यूम पर चलिए, तो 1 लीटर इक्वल टू क्या बेटा, 1000 ml, 1000 ml मतलब क्या, 1000 cc या 1000 cm³, और 1 लीटर ही बराबर होता है किसके, 1 dm³ के। एक यूनिट और मैं बता देता हूं कि जो 1 m³ होता है, 1 m³ होता है बेटा, वो होता है 10^-3 लीटर। इस यूनिट को भी हमको ध्यान रखना है। टेम्परेचर जब भी डिग्री सेंटीग्रेड में दिया जाएगा उसको केल्विन में बदलने का क्या तरीका है, उसमें 273.15 या 273 हम सिंपली ऐड कर देते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा भाई, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। देखिए आप देखना बेटा, ठीक है, देखो अब आप क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, गैस इज प्रेजेंट इन 10 लीटर कंटेनर एट 5 atm प्रेशर। 10 लीटर कंटेनर में 5 atm प्रेशर पर एक गैस रखी हुई है, हमें प्रेशर निकालना है किसके अंदर, टॉर के अंदर। व्हेन वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इंक्रीज टू 100 liter, 100 लीटर पे चला गया डायरेक्टली, तो P1V1 बराबर P2V2 लगा दें, P1V1 बराबर P2V2। ठीक है बेटा, टेम्परेचर तो कांस्टेंट की बात कर रहा है, ये देखो एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहा है, तो प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, मतलब बॉयल्स का लॉ लग रहा है, P1V1 बराबर P2V2। P1 आपको कितना दिया हुआ है बेटा, 5 atm दिया हुआ है, वॉल्यूम आपको कितना दिया हुआ है, 10 लीटर दिया हुआ है, P2 हमें पूछा है, और V2 कितना, 100 लीटर हो गया। क्लियर, V2 कितना हो गया है, 100 लीटर। सॉल्व कर ले इसको, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 5/10 निकालोगे तो ये आ जाएगा आधा atm, और आधे atm का मतलब कितना हो गया, 1/2 × 760, ये हो गया बेटा टॉर के अंदर, ये किसके अंदर हो गया, टॉर के अंदर, तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 380 टॉर्स आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 380 टॉर्स आपका आंसर आ जाएगा यहां पर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, ग्राफ्स दिए हुए, तो ग्राफ्स को हम थोड़ा सा अच्छे से समझ लेंगे बेटा। तीन तरह के ग्राफ हमें बनाने, एक तो P वर्सेस V का ग्राफ बनाना है, एक हमको P वर्सेस 1/V के बीच का ग्राफ, और एक log P वर्सेस log V का ग्राफ। अब इसको ध्यान से समझ लेना भाई, अब इसको थोड़ा सा हम ध्यान से समझ लेंगे। इधर देखिए आप, देखना भाई ग्राफ्स को मैं यहां पर डील करा रहा हूं, तो ग्राफ हम बना रहे हैं, ध्यान से देखो अब किस तरीके से ग्राफ बन रहे हैं। पहला ग्राफ है P वर्सेस V के बीच का, तो पहला हम बना रहे हैं P वर्सेस V के बीच का बेटा। P वर्सेस V के बीच का ग्राफ कैसे बनेगा, देखो PV बराबर क्या लिखा हमने, K, तो इसका मतलब P इज इक्वल टू K बाई V, इसका मतलब क्या होगा, PV इक्वल टू K, PV इक्वल टू K का मतलब क्या होगा, इस इक्वेशन से अगर मैं जाऊं तो XY बराबर कॉन्स्टेंट, और इस तरह का ग्राफ कैसा ग्राफ होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, तो इस तरह का ग्राफ इसके अंदर आ जाएगा P एंड V, तो ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का इस तरह का ग्राफ बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दूसरे ग्राफ को देखिए भाई, दूसरा ग्राफ हमें क्या दिया हुआ है, P वर्सेस 1/V, तो P वर्सेस 1/V बना लेते हैं, PV इक्वल टू K। सेकंड वाला ग्राफ देख रहे हैं किसके बीच में, P वर्सेस 1/V, देखना भाई, तो P इज इक्वल टू K इंटू 1/V, ऐसा मैं लिख सकता हूं, तो ये तो Y इक्वल टू, देखो ये हो गया क्या Y, और ये क्या हो गया MX, तो Y इक्वल टू MX टाइप का ग्राफ कैसा बनता है, इस तरह का ग्राफ बनता है भाई, P और ये 1/V, तो ये लो
y इक्वल टू एम एक्स टाइप का ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा। तीसरा ग्राफ देखिए आप, तीसरा हमें यहां पर देख लेते हैं, लॉग पी वर्सेस लॉग वी के बीच का, ठीक है बेटा। तो अब ध्यान से देखना, पी वी बराबर के, दोनों तरफ लॉग लोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, लॉग पी प्लस लॉग वी, लॉग पी इंटू वी, ब्रेक कर लिया उसको ए इंटू बी वाली प्रॉपर्टी से, लॉग पी प्लस लॉग वी इक्वल टू लॉग के। तो सॉल्व कर लो आप, ये हो जाएगा लॉग पी इक्वल टू लॉग वी, किसमें, माइनस में, प्लस लॉग के। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, log p इक्वल टू माइनस लॉग वी प्लस लॉग के। तो सॉल्व करोगे तो y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा वो कैसा ग्राफ बनेगा बेटा, वो ग्राफ जो बन रहा है आपका कैसा ग्राफ बन रहा है, log p और log v के बीच का। थोड़ा सा मैं यहां पर स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, देखिए भाई स्पेस यहां पर मैं क्रिएट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ये स्पेस हम यहां पर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। देखो बेटा, तो ये ग्राफ मैं यहां पर आपको बना के बता रहा हूं, कौन सा वाला, ये वाला ग्राफ है ना। तो ये ग्राफ आपका इस तरीके से बनेगा, देखना, ये है आपका log p और ये है आपका log v बेटा, ठीक है ना। माइनस एम एक्स प्लस सी टाइप की इक्वेशन, ये इक्वेशन देखो आप, माइनस एम एक्स प्लस सी टाइप की इक्वेशन है, मतलब कैसा है, नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप का ग्राफ कैसा आता है, इस तरह का ग्राफ आता है, ऊपर से नीचे हेलीकॉप्टर लैंड करता है भैया, ऊपर से नीचे हेलीकॉप्टर लैंड करता है, तो ये लैंड करा दिया, आ गई बात समझ में। इस तरीके से चलता है ये कार्यक्रम। और ये जो है ये क्या है, ये आपका इंटरसेप्ट है, कौन सा वाला, ये सी, किसके बराबर है, लॉग के बराबर। तो लिख देते हैं यहां log k, ये आपका इंटरसेप्ट है बेटा, ये आपका c है, क्लियर। और माइनस एम एक्स तो नेगेटिव स्लोप हमें दिखी रही है, ठीक है, यहां पर नेगेटिव स्लोप आप देख सकते हो। तो यहां आप लिख सकते हो tan थीटा बराबर माइनस वन, तो थीटा बराबर 135 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पर बढ़िए, नेक्स्ट स्लाइड हमें दी हुई है क्या, PV वर्सेस P और PV वर्सेस V का ग्राफ, ये भी हम बना लेते हैं, और फिर एक कंपैरिजन ग्राफ भी बनाएंगे भाई, ध्यान से देखना। पहले इस ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना, इस ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं भाई, पीवी वर्सेस पी और पीवी वर्सेस वी। देखिए चौथा ग्राफ है हमारे पास पीवी वर्सेस पी के बीच का, पीवी वर्सेस पी के बीच का ग्राफ कैसा बनेगा, देखो ध्यान से, पीवी इक्वल टू क्या था, के, मतलब पीवी की वैल्यू, मतलब क्या हो गया, पीवी को पूरा ही मैं क्या मान लू बेटा, पीवी को पूरा ही हम क्या मान रहे हैं, ध्यान से देखो, इस पीवी को मैं पूरा ही कहां मान रहा हूं, वाई एक्सिस पर मान रहा हूं, तो वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप का ग्राफ हो गया ये, तो पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब क्या, वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ कैसा बनता है भैया, PV वर्सेस P के बीच का ग्राफ इस तरह का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अब PV वर्सेस P के बीच का ग्राफ भी देख लो आप, सेम पैरेलली PV वर्सेस V के बीच का ग्राफ, तो फिर से PV बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट, और कांस्टेंट हो गया तो फिर से Y बराबर क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट, और Y बराबर कांस्टेंट का ग्राफ फिर से कैसा बन जाएगा, अरे PV वर्सेस V हो या PV वर्सेस P हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि P into V का मल्टीप्लिकेशन तो कांस्टेंट ही रहता है। चलिए नेक्स्ट ग्राफ हमको दिया हुआ है कंपैरिजन ग्राफ, कंपैरिजन ग्राफ के लिए मैं थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर रहा हूं भाई, देखिएगा, ठीक है बेटा। तो ये थोड़ी सी स्पेस हम यहां पर क्रिएट कर रहे हैं, देख लो आप ध्यान से देखना भाई, सिक्स नंबर का ग्राफ है कंपैरिजन ग्राफ, पी वर्सेस वी के कंपैरिजन का ग्राफ है। तो पी वर्सेस वी का ग्राफ हमने ऐसा बनाया था भाई, अगर आपको पता हो तो पी और वी के बीच का ग्राफ हम अभी अभी ऐसा बनाकर आए हैं, तो मैं दो तीन ग्राफ यहां ऐसे बना रहा हूं इस तरीके से। ये वाला जो ग्राफ है ये किसी T1 टेम्परेचर पर है, ये किसी T2 टेम्परेचर पर है, और ये किसी T3 टेम्परेचर पर है। हमें बताना है T1, T2, T3 के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो रिलेशन में कैसे निकाल रहा हूं उसको ध्यान से समझना भाई। मैं क्या करूंगा, या तो प्रेशर के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचूंगा या वॉल्यूम के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचूंगा। मान लो मैंने ये वॉल्यूम के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दी, तो इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर बेटा, तीनों पॉइंट पर ही आपका वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब देखो PV इक्वल टू nRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन अभी थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे इसको, PV बराबर nRT को। देखो अब क्या हो रहा है, यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैंने
ये पॉइंट नंबर वन, ये पॉइंट नंबर टू और पॉइंट नंबर थ्री पर मैंने क्या कर दिया, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया है। तो ये तो बेटा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। एन पहले से ही कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब जो प्रेशर है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, टेम्परेचर के। इसका मतलब जहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, जहां प्रेशर ज्यादा वहां टेम्परेचर भी ज्यादा। ये टेक्निक है इस क्वेश्चन को करने की, T1, T2, D3 के बीच में रिलेशन निकालने का ये टेक्निक है बेटा, ठीक है। तो देखो आप, हमने क्या किया, 1, 2, 3 पर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, तो प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल हो गया, अकॉर्डिंग टू PV इक्वल टू NRT, P और T प्रोपोर्शनल हो गए। तो P जहां पर ज्यादा वहां पर T भी ज्यादा। तो ये रहा पॉइंट नंबर वन, ये पॉइंट नंबर टू, ये पॉइंट नंबर थ्री। तो ये मान लो आपका क्या है, ये कोई प्रेशर P1 है, ये P2, अच्छा इसको P3 मान लेते हैं भाई, नीचे से नंबरिंग दी है ना हमने, तो नंबरिंग नीचे से ही देंगे। देखो अब आप, तो ये P1 है आपका, ये P2 है बेटा, और ये P3 है। तो हम बोलेंगे कि जो P3 है वो P2 से ज्यादा और फिर P1 से ज्यादा। इसका मतलब T3, T2 और T1, ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। T3 सबसे ज्यादा, T2 फिर T1। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़िए, अगली स्लाइड पर बढ़ जाते हैं भाई। नेक्स्ट स्लाइड हमें क्या दी हुई है, चार्ल्स लॉ दिया हुआ है। चार्ल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ के दो स्टेटमेंट हम देखेंगे, सेकंड वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाला होता है इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट वाला सिर्फ पढ़ना है हमको। देख लो, फॉर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस बाय दिस फैक्टर ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। हमने कहा कि एक डिग्री जब टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, एक डिग्री जब टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो कॉन्स्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम किस फैक्टर से बढ़ेगा, इस फैक्टर से बढ़ जाएगा, इस फैक्टर से, ठीक है। और उसके बीच में एक रिलेशन हमने दे दिया है, ऐसा हमने एक रिलेशन दे दिया है कि V इक्वल टू V0 प्लस T अपॉन 273.15, क्लियर बेटा। इस तरह का रिलेशन हमारे पास आता है। अब मेरी बात को ध्यान से देखना, पूरे स्टेट्स ऑफ मैटर में मैं जहां पर कैपिटल T लिखूंगा, ये कैपिटल T ये होता है केल्विन में, और स्मॉल T होता है बेटा डिग्री सेंटीग्रेड में। ये हमेशा ध्यान रखना है अपने को, कैपिटल T लिखेंगे केल्विन में, स्मॉल T लिखेंगे डिग्री सेंटीग्रेड में। तो ये डिग्री सेंटीग्रेड वाला रिलेशन है, ठीक है। चलो, इनिशियल वॉल्यूम इसमें V1 V0 है, T1 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, T2 T डिग्री सेंटीग्रेड है, और V2 V है, क्लियर। चलो, अब ये सेकंड वाला स्टेटमेंट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको समझ लो भाई, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस फर्स्ट वाले की उतनी नहीं है। सेकंड वाले को आप ध्यान से देखो क्या बोला है, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, प्रेशर को क्या करा है, कॉन्स्टेंट फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, और अमाउंट में हम हमेशा ही किसको लेते हैं, मोल को लेते हैं, ठीक है। तो मोल यहां पर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो जो वॉल्यूम है वो क्या बोला है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है टेम्परेचर इन केल्विन, लिखा हुआ है पीछे भैया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है टेम्परेचर इन केल्विन। समझ में आ गई बात। तो प्रेशर कांस्टेंट होगा, वी प्रोपोर्शनल होगा टी के, तो ये वी प्रोपोर्शनल टी के, तो वी बराबर क्या हो गया, केटी। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2, ये तो हमेशा ही होगा भाई। जब V बराबर KT होगा तो हम ऐसा बोलेंगे ना कि जो V by T है वो K के बराबर होगा, यही तो बोलोगे बेटा आप। जब V इक्वल टू KT होगा तो V by T बराबर क्या होगा, कांस्टेंट। इसका मतलब V1 अपॉन T1 किसी स्टेज 1 पर और V2 अपॉन T2, ये रेशो हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा, क्लियर। क्लियर हो गई बात। तो V बराबर KT, ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़िए, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, हम फिर सॉल्व करेंगे इसको। अ सैंपल ऑफ गैस जिसका वॉल्यूम हमें 0.2 लीटर दिया हुआ है 180 प्रेशर पर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वॉल्यूम हमको निकालना है कितने टेम्परेचर पर, 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो निकाल दें क्या भाई, तो यहीं पर देख लो भाई, इसको हम थोड़ा सा साइड में ले जाते हैं। चलो देखो, अब देख लीजिए भाई, देखना क्या हम कर रहे हैं, हम यहां पर ध्यान से देखो। तो वही है भाई, V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि प्रेशर हमको कांस्टेंट बोला गया है। प्रेशर देखो एट 180 बोला है, मतलब कांस्टेंट प्रेशर है, तो चार्ल्स का लॉ तो लगेगा ही लगेगा, कंफर्म लगेगा। तो V1 अपॉन T1, V1 कितना है 0.2, T1 कितना है 273 केल्विन, 0 डिग्री दिया हुआ है ना भैया, तो V2 हमें निकालना है, और T2 273 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 273 प्लस 273 ये हो जाएगा 546। सॉल्व करोगे तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, V2 बराबर 0.4 लीटर आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा, 0.4 लीटर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका आ जाएगा 0.4 लीटर। नेक्स्ट पर बढ़िए, अगला हमको क्या दिया हुआ है, ग्राफ्स दिए हुए हैं। तो ग्राफ्स को एक एक करके एक्सप्लेन कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है।
वी टी का ग्राफ है, वी और स्मॉल टी का ग्राफ है और लॉग वी लॉग टी का ग्राफ है भाई। देखो अब देख लीजिए भाई कैसे हम ग्राफ को बना रहे हैं, ध्यान से देखना। पहला ग्राफ हम बना रहे हैं v वर्सेस t के बीच का, v वर्सेस t के बीच का ग्राफ है, ध्यान से समझ लो। v बराबर kt हमने पढ़ लिया, तो v बराबर kt पढ़ लिया तो खत्म हो गई कहानी। ये चार्ल्स का लॉ बताता है, तो y इक्वल टू mx हो गया, तो ग्राफ बन जाएगा यहां पर इस तरीके का, v और t के बीच का ऐसा ग्राफ, y इक्वल टू mx टाइप का ग्राफ। अगले ग्राफ पर बढ़ जाइए, अगला हमको क्या दिया हुआ है, v और t डिग्री सेंटीग्रेड। समझना भैया अभी अच्छा ग्राफ है, थोड़ा सा अच्छा ग्राफ है, ध्यान से देखना। t डिग्री सेंटीग्रेड, एक बात मुझे बताओ कि ये क्या है, ये है टेम्परेचर इन केल्विन, ये क्या है टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं यहां पर देखूंगा तो ये तो है जीरो केल्विन, ये क्या है बेटा जीरो केल्विन, तो ग्राफ हमारा जीरो केल्विन से स्टार्ट हो गया। लेकिन डिग्री सेंटीग्रेड में देखूंगा तो डिग्री सेंटीग्रेड में जो जीरो केल्विन होता है वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। बोलो यस और नो, मतलब मेरा ग्राफ जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, इसका जीरो किसके बराबर है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है, मतलब मेरा ग्राफ थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट होगा। तो वही ग्राफ अब हम यहां पर बना रहे हैं बेटा, ये लो देखना। अब ये आपका v और ये स्मॉल t डिग्री सेंटीग्रेड में, क्योंकि जीरो केल्विन यहां किसके बराबर था, -273 है, मतलब ये वाला पॉइंट जो यहां पर है वो एक्चुअली डिग्री सेंटीग्रेड में थोड़ा पीछे है, तो थोड़ा पीछे से ग्राफ स्टार्ट करेंगे। मान लो इस पॉइंट पर मैंने मान लिया कि ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड आता है, तो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ग्राफ की बिल्कुल शेप ऐसी रहेगी, स्ट्रेट लाइन वहां भी है तो बेटा स्ट्रेट लाइन तो यहां पर भी आएगा, लेकिन ग्राफ बनेगा कैसे, थोड़ा सा पीछे से बनेगा, क्योंकि जीरो केल्विन किसके बराबर है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है, मतलब ग्राफ यहां से स्टार्ट नहीं होगा, थोड़ा सा बैक से स्टार्ट होगा। तो ग्राफ वी और टी डिग्री सेंटीग्रेड का इस तरीके का आ जाएगा, क्लियर। चलिए तीसरा ग्राफ देखें, तीसरा में लॉग वी वर्सेस लॉग टी का ग्राफ है, तो देखना भाई वी बराबर के टी, ठीक है, लॉग ले लो आप दोनों तरफ, तो लॉग वी बराबर लॉग टी प्लस लॉग के, ऐसा बोल सकता हूं क्या भाई, लॉग वी बराबर लॉग के टी, तो लॉग के टी में इनटू बी वाली प्रॉपर्टी लगा दी, लॉग टी प्लस लॉग के, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ बन रहा है भैया, तो पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ हम बना देते हैं यहां पर। ये देखो आप, ये पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ अभी बन जाएगा, ये है आपका लॉग बी और ये है आपका लॉग टी, ठीक है, लॉग बी लॉग टी पॉजिटिव स्लोप है और स्लोप कितनी है, 1 मतलब थीटा कितना है, 45 डिग्री, 45 डिग्री है ना थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री है, क्लियर। तो अब देखो स्लोप के लिए जो सी दिया हुआ है वो किसके बराबर है, ये लॉग के बराबर है, तो ग्राफ ऐसे उठ जाएगा और ये वाला जो एंगल होगा ये आपका आ जाएगा 45 डिग्री, ये जो है ये लॉग के है आपका इंटरसेप्ट, क्लियर, इस तरह का ग्राफ आपका बन जाएगा, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमको कुछ ग्राफ और दिए हुए हैं, वी वर्सेस 1/t, वी बाई टी वर्सेज वी, वी बाई टी वर्सेज टी और एक कंपेरिजन ग्राफ। चलो इसको भी फटाफट से बना लेते हैं, क्या ग्राफ है फटाफट से देख लीजिए, देखना भाई क्या ग्राफ है, ध्यान से देखो। फोर्थ नंबर का ग्राफ जो है वो है v वर्सेस 1/t का, ठीक है, तो देखना भाई, हमने कहा v बाई टी बराबर कॉन्स्टेंट या v बराबर kt एक ही बात है, तो मैं यहां पर ऐसा बोल दूं क्या कि v इंटू 1/t बराबर k, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, y इंटू एक्स बराबर कॉन्स्टेंट, तो एक्स वाई बराबर कॉन्स्टेंट, अरे ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही तो हो गया, पीवी बराबर कॉन्स्टेंट जैसा बॉयल्स लॉ में, एग्जैक्टली वैसा ही ग्राफ बनेगा, तो इसको बिल्कुल वैसा ही ग्राफ हम यहां पर बना देते हैं। ये लो ये आपका ग्राफ है कैसा, v और 1/t का, ये लो एग्जैक्टली यही ग्राफ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यही चीज तो शो कर रहा है ये, क्लियर। नेक्स्ट ग्राफ देखिए, फिफ्थ नंबर का ग्राफ, फिर उसके बाद थोड़ी सी स्पेस क्लियर करेंगे लास्ट वाला ग्राफ देखने के लिए। v by t, देखो v by t बराबर क्या है k, इसका मतलब y बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट, समझ में आ गई बात। तो आप v by t का बेटा t के साथ ग्राफ बनाओ या v by t का v के साथ बनाओ, तो v by t तो कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। आप देखो इस तरह का ग्राफ बनेगा कैसा, v by t वर्सेज v कर दूं या फिर t कर दूं, v by t वर्सेज v या v by t वर्सेज t, तो इस तरह का ग्राफ है, ये लो ऐसा ग्राफ बन जाएगा, क्लियर।
लास्ट वाला अगर आप देखते हैं, लास्ट वाला फिर से वो टेक्निक सीखेंगे, तो थोड़ा सा स्पेस हम यहां पर क्लियर कर रहे हैं बेटा, ये हमारा स्पेस क्लियर हो गया, ठीक है। चलो इसको भी क्लियर कर देते हैं ताकि हम ग्राफ को आसानी से समझ पाए। बहुत अच्छे से समझना भाई, नेक्स्ट बार ये टेक्निक मैं बता रहा हूं। देखो V और T के बीच का ग्राफ अभी हम थोड़ी देर पहले ही बना के आए, V बराबर KT, Y इक्वल टू MX, मतलब तीन लाइनें जाएंगी। तो मैं एक लाइन, दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन, ऐसी लाइन बना दी। ये किसी प्रेशर P1 पर, ये किसी प्रेशर P2 पर और ये किसी प्रेशर P3 पर। किसका ग्राफ है? V और T के बीच का ग्राफ है। कैसा ग्राफ है भाई? V और T के बीच का ग्राफ है। थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं यार, ठीक है ना। V और T के बीच का ग्राफ है बेटा। तो ये इस तरह का ग्राफ अब हमारा बन रहा है। तो अब मान लो यहां पर भी मैंने क्या किया, या तो मैं V को परपेंडिकुलर डाल के कॉन्सेंट करूं या T को परपेंडिकुलर डाल के कॉन्सेंट करूं। तो फिर मैंने क्या किया, T को मैंने कॉन्सेंट कर दिया। आप V को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। आप V को भी परपेंडिकुलर डाल के बेटा कॉन्सेंट कर सकते हो, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। चलिए ये हमारा पॉइंट नंबर वन मान लेते हैं, इसको टू मान लेते हैं, इसको थ्री मान लेते हैं भाई, वन टू थ्री। अब ध्यान से देखना, फिर से मैं लगा रहा हूं PV इक्वल टू NRT। थोड़ी देर में ये इक्वेशन हमारे सामने प्रस्तुत होगी, प्रकट हो जाएगी ऐसे करके, ठीक है। ध्यान से देखो, पुटक करके आएगी, ठीक है। ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखना भाई, हमने क्या किया, इस लाइन को ड्रॉ करके वन टू थ्री पर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया है। इसको हमने क्या कर दिया बेटा, कांस्टेंट कर दिया है। अब देखो N और R जो है ये पहले से ही क्या होता है, कांस्टेंट। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं PV बराबर कांस्टेंट, बोलो यस और नो। इसका मतलब P और V के बीच में ऐसा रिलेशन आएगा, P और V के बीच में इनवर्स रिलेशन आएगा। इसका मतलब जहां वॉल्यूम ज्यादा वहां प्रेशर कम है इस बार, जहां वॉल्यूम ज्यादा वहां प्रेशर डाउन है। तो आओ भैया लगाओ टिक, ये लग गया टिक, ठीक है। तो ये क्या है, यहां पर वॉल्यूम कितना है, यहां पर मान लो V1, ये V2, ये V3, ठीक है। जहां वॉल्यूम ज्यादा वहां प्रेशर कम। तो पहले मैं वॉल्यूम का ऑर्डर लिख लेता हूं, तो V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1। तो इसका जस्ट उल्टा ऑर्डर प्रेशर का आ जाएगा। इसका मतलब P3 सबसे छोटा, फिर P2 और P1 सबसे बड़ा। कुछ नहीं किया है, V और T का नॉर्मल ग्राफ बनाया है, V या T को कांस्टेंट किया है परपेंडिकुलर डाल के, फिर PV इक्वल टू NRT लगा के ये रिलेशन निकाला है। और इस रिलेशन से हमें पता चल रहा है जहां वॉल्यूम ज्यादा वहां प्रेशर कम। तो V3 पर वॉल्यूम ज्यादा है, देखो ना सबसे ज्यादा V3 पर है, तो प्रेशर वहां सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों में रिलेशन मिल जाएगा। अगले स्लाइड पर आते हैं हम, गैलुसेक लॉ। गैलुसेक लॉ हमें डील करता है, देखो टेम्परेचर हमने कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर कर दिया, अब कौन बचा है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को गैलुसेक कर देगा। तो वॉल्यूम जब आपका कांस्टेंट होगा, तो जो प्रेशर है बेटा वो किसके, फिक्स्ड अमाउंट। फिक्स्ड अमाउंट मतलब क्या, मोल की बात कर रहे हैं। फिक्स्ड अमाउंट का मतलब क्या है, मोल की बात कर रहे हैं। तो प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। इसका मतलब मैं बोल दूं कि जो प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल है डी के, और प्रेशर टी के प्रोपोर्शनल है। तो पी बराबर के टी या फिर पी बाई टी बराबर कॉन्स्टेंट, पी बाई टी बराबर कॉन्स्टेंट के, ठीक है। तो हम ऐसा बोल देंगे कि पी वन बाई टी वन बराबर पी टू बाई टी टू। ये तो बिल्कुल चार्ल्स के लॉ के जैसा आ रहा है भाई, V1 by T1 बराबर V2 by T2 वहां आता था, या P1 by T1 बराबर P2 upon T2 आ रहा है, देख लो आप, ठीक है। तो नीचे हमने लिख दिया है कि जो ग्राफ है वो चार्ल्स के लॉ के बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। जहां पर V आ रहा था ना, बस वहां P रख लेना, जहां पर V आ रहा था वहां पर हम क्या रख देंगे, P रख देंगे। तो हमारे सारे ग्राफ अपने आप बन जाएंगे, ठीक है। चलो इस रिलेशन को ध्यान रखेंगे। अगली स्लाइड पर आइए, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ टू मोल्स ऑफ गैस इज 76 mm of Hg एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, देन फाइंड प्रेशर एट 327 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। तो लगा देते हैं, देखो P1 अपॉन T1 बराबर P2 अपॉन T2, ठीक है बेटा। सॉल्यूशन देख रहे हैं हम इसका। देखो भाई, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर हमें टू मोल गैस का कितना दिया हुआ, 76 mm Hg। तो 76 अपॉन T1 की वैल्यू इनिशियली कितनी दी हुई है, 27, मतलब 300 केल्विन। तो P2 हमें निकालना है, और ये 327 मतलब 600 केल्विन हो गया ये, तो 600 केल्विन कैंसिल हो जाएगा दो बार। तो यहां से P2 आ जाएगा कितना, 76 इंटू टू, ये mmHg में आ रहा है। ये किस में आ रहा है भाई, 76 को चेंज नहीं किया है हमने, mmHg में। तो अब हम इसको किस में कन्वर्ट करा ले, ATM में, ATM में पूछा है ना, तो करा लो कन्वर्ट। 76 इंटू टू बटे 760 सॉल्व करोगे ये 10 बार, मतलब कितना आ जाएगा, 0.2
एटीएम कितना आ जाएगा 0.2 एटीएम P2 का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। क्लियर बेटा? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ जाइए। एवोगैड्रोस लॉ दिया है। एवोगैड्रोस लॉ में क्या है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर को भी कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दिया, और हमें बोल रहा है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और मोल के बीच में ये रिलेशन मोल कंसेप्ट से आता है कि जो मोल होता है, ये फॉर्मूला पढ़ते हैं ना हम वहां, नंबर ऑफ एंटिटी बाई एन ए। तो जो मोल है वो किसके प्रोपोर्शनल है, मॉलिक्यूल के। तो जो चीज मॉलिक्यूल के लिए अप्लाई होगी वही चीज मोल के लिए भी अप्लाई होगी। तो वॉल्यूम अगर मॉलिक्यूल के प्रोपोर्शनल है तो मोल के भी तो प्रोपोर्शनल होगा भैया। ठीक है, तो यहां से v by n कांस्टेंट मतलब v1 अपॉन n1 बराबर v2 अपॉन n2। ग्राफ फिर से कैसे बन जाएंगे, चार्ल्स के लॉ के जैसे ही ग्राफ बनेंगे भैया। जहां पर t था वहां पर n कर देना बस, v को तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, जहां पर t था वहां n कर देंगे, कहानी खत्म। नेक्स्ट आ जाओ आप आइडियल गैस इक्वेशन। अब आइडियल गैस इक्वेशन को हम एबीसी करके याद रखेंगे, ए बी सी। एबीसी मतलब ए मतलब एवोगैड्रो लॉ, बी मतलब बॉयल्स लॉ, सी मतलब चार्ल्स लॉ। तो एवोगैड्रो लॉ हमको क्या बताता है कि बी जो है वो एन के प्रोपोर्शनल है। बॉयल्स लॉ क्या बताता है, पी जो है बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बी भी तो बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ ये वाला। और तीसरा कौन सा, चार्ल्स लॉ, प्रेशर कांस्टेंट है तो वीओटी प्रोपोर्शनल है, वीओटी प्रोपोर्शनल। तीनों को कंबाइन करके हमने यहां पर लिख दिया एनटी बाई पी। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो वी बराबर क्या आ जाएगा, एन आर टी, ये आर कांस्टेंट आ गया, बाई पी। तो यहां से इक्वेशन आ जाएगी आपकी PV बराबर NRT। R बेटा क्या होता है, R होता है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यूज हमको ध्यान रखनी है। वैल्यू वैसे होती है 0.0821, लेकिन हम ध्यान रखेंगे 1/12 वैसे होती है। ये किसमें, लीटर एटीएम में, लीटर एटीएम केल्विन मोल के अंदर। दूसरी वाली 8.314 जूल के अंदर है, लेकिन हम कौन सी ध्यान रखेंगे, 25/3 ये वाली। और लास्ट वाली कैलोरी के अंदर है 2, तो 2 तो हमको ध्यान रखनी है। तो R की तीन वैल्यूज, एक तो 1/12, 25/3 और 2, ये लीटर एटीएम वाली है, ये लीटर एटीएम मोल केल्विन, ये हो जाएगी आपकी जूल मोल केल्विन, और ये हो जाएगी कैलोरी मोल केल्विन। ठीक है बेटा, तो ध्यान हमको ये वाली रखनी है। आपकी कैलकुलेशन अगर आपको इजी करनी है तो हमको ये वाली इक्वेशन तो ध्यान रखनी ही पड़ेगी। ठीक है बेटा, ये वाली इक्वेशन हमको एग्जैक्टली ध्यान रखनी पड़ेगी, PV इक्वल टू NRT, और उसमें R की वैल्यू हमको ये वाली डालनी पड़ेगी, तो आपकी कैलकुलेशन इजी आ जाएगी, थोड़ा अप्रोक्स आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए चलिए बेटा देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें। 2.8 ग्राम ऑफ अ गैस एट 180 एंड 273 केल्विन occupies a volume of 2.24 liter at the gas. Gas cannot be, ऐसा मैं पूछा है, चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ध्यान से देखना। आइडियल गैस इक्वेशन अपन अप्लाई कर रहे हैं, PV equals to NRT, ध्यान से देखें भाई। प्रेशर आपको क्या दिया हुआ है, 180 एम। वॉल्यूम आपको कितना दिया हुआ है, 2.24 मोल्स को मैं लिख रहा हूं, मास बाई मोलर मास, मास बाई मोलर मास इंटू आर की वैल्यू 0.0821 या 1/12 भी आप रख सकते हो। और टेम्परेचर आपको क्या दिया हुआ है बेटा, 273 केल्विन दिया हुआ है, ध्यान से देख लेना बेटा। तो ये हो जाएगा 2.24 मास की जगह पर 2.8 मोलर मास हम निकालेंगे तभी तो गैस पता चलेगी। अरे मोलर मास निकालोगे तभी तो गैस पता चलेगी भैया। और इसको जब मल्टीप्लाई आप करोगे, इस वैल्यू को जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये आती है 22.4। कितनी आती है, 22.4। तो सॉल्व करोगे तो मोलर वेट आपका आ जाएगा बेटा 28 ग्राम। कितना आ जाएगा, मोलर वेट आ जाएगा आपका 28। तो 28 वाली चेक कर लेते हैं, देखो ये 32 हो गई, आंसर तो पता चली गया। ये इनको भी चेक कर लो, ये कितना हो जाएगा, 16/12 28। 16 और 12 कितना होता है भैया, 28 ही तो होता है ना। तो 16 और 12 28 हो गया आपका, ये भी कितना 14 × 28, ये कितना 12 × 24 और 4 28। क्लियर? तो O2 का जो यहां पर है वो गैस यहां पर नहीं हो सकती इस मास के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ CO2 गैस एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 760 mm ऑफ HG प्रेशर। 760 mm ऑफ HG प्रेशर के लिए पूछा है और डेंसिटी की बात कर रहा है, डेंसिटी हमें निकालनी है। तो ध्यान से देखना, PV इक्वल टू NRT तो हमें पता ही है। तो अब इसी की बेटा एक फॉर्म हम और लिखने जा रहे हैं, गैस की इन फॉर्म ऑफ डेंसिटी। ठीक है ना, आइडियल गैस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी, समझना अब। तो PV ये हो जाएगा मास बाई मोलर मास, मास बाई मोलर मास इंटू आर इंटू टी। अब समझना भैया, ये मैं ले गया P मोलर मास को इधर, ये वेट इधर, वॉल्यूम यहां, R और T के साथ।
ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम। अरे इस वेट बाय वॉल्यूम को ही तो हम डेंसिटी बोलते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी एम डब्ल्यू बराबर डी आर टी। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है भाई, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि ये आइडियल गैस इक्वेशन की डेंसिटी वाली फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, डेंसिटी वाली। बस अब आप यहां पर वैल्यू रख दो तो प्रेशर आपको 760 mm of Hg मतलब 180 mm हो गया। मोलर वेट CO2 का हमें पता होता है 32 और 12 44 हो जाएगा 44। डेंसिटी हमें निकालनी है। आर की वैल्यू आप 1/12 भी रख सकते हो, 0.0821 भी रख सकते हो। तो यहाँ 1/12 हमने पुट कर दिया। और जो प्रेशर टेम्परेचर है वो कितना है, 100 डिग्री मतलब 373 केल्विन। तो यहां से डेंसिटी आ जाएगी आपकी 1.43 ग्राम पर लीटर। ये ग्राम पर लीटर में आती है, ये ध्यान रखना भाई, डेंसिटी आपकी ग्राम पर लीटर में आती है। अगर कभी ग्राम पर एमएल में पूछ ली जाए तो आपको लीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा एमएल के अंदर। क्लियर, कभी पूछ ली जाए तो आती ग्राम पर लीटर में ही है, ये कंफर्म है। ठीक है, यहां पर आपको अभी डेंसिटी पूछी है, अगले किसी और क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि डेंसिटी देके मोलर वेट पूछ ले, पॉसिबल है भाई। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, काफी अच्छा टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। नीट 2020 में इसका क्वेश्चन आ चुका है तो ध्यान से सुनना। डॉल्टन ने हमें क्या समझाया था, डॉल्टन हमें क्या बताता है, एट अ गिवन टेम्परेचर द टोटल प्रेशर एग्जर्टेड बाय टू और मोर नॉन रिएक्टिव गैसेस। देखो नॉन रिएक्टिव गैस होनी चाहिए। नॉन रिएक्टिव में कैसी गैसेज आती है, लाइक मैं बोल दूं हाइड्रोजन और हीलियम, मैं बोल दूं नाइट्रोजन और नियोन, मैं बोल दूं नियोन नाइट्रोजन एक ही बात है। इस तरह की गैसेज H2SO2, ठीक है H2SO2, इस तरह की गैसेज आपके पास आती हैं जिनको हम बोलते हैं नॉन रिएक्टिव गैसेज, जो रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। तो क्या बोल रहा है, टोटल प्रेशर एग्जर्टेड बाय टू और मोर नॉन रिएक्टिव गैसेज ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट वॉल्यूम इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कॉन्स्टेंट गैसेज। देखो किसी कंटेनर के अंदर मान लो एक गैस ए रखी हुई है, एक गैस बी रखी हुई है, बेटा इस गैस का पार्शियल प्रेशर किसी गैस का कैसा प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर जो होता है वो होता है बेटा गैस इंडिविजुअल प्रेशर। गैस का जो इंडिविजुअल प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। ठीक है, क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। तो ए गैस है, बी गैस है, ए गैस का अपना प्रेशर है पी ए, बी गैस का अपना प्रेशर है पी बी, इसके कुछ मोल्स हैं एन ए, बी के कुछ मोल्स हैं एन बी। तो डॉल्टन क्या बोल रहा है, डॉल्टन बोल रहा है कि जब दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिव गैसें किसी कंटेनर में भरी जाती हैं तो उनका जो टोटल प्रेशर होता है वो उनके पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है। तो इसका मतलब जो पी टोटल होगा वो पी ए प्लस पीबी के बराबर होगा। ये और भी आगे बढ़ सकता है, फिक्स दो के लिए नहीं है, दो या दो से ज्यादा तो आप इसको आगे ऐसे बढ़ा सकते हो इस तरीके से। तो डॉल्टन हमें ये स्टेटमेंट देता है कि जो टोटल प्रेशर है बेटा, टोटल प्रेशर है वो क्या है, पीए प्लस पीबी है। पीए क्या है, ए का पार्शियल प्रेशर, और पीबी बी का पार्शियल प्रेशर। चलिए नेक्स्ट पर बढ़िए। अब इसी पार्शियल प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन में कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना कैसे निकाल रहे हैं। ए गैस बी गैस दो गैस हमने मान लिए, ए का प्रेशर P1 और बी का प्रेशर P2 हमने मान लिया है, मोल्स हमने क्या मान लिया है N1 और N2। अब देखो आप, इनिशियली ए गैस के लिए मैंने इक्वेशन लगाई PV इक्वल टू nRT, तो ए का प्रेशर P1 फिर V N1 RT, V तो कांस्टेंट है, यहां से मैंने P1 की वैल्यू को अलग कर लिया है, P1 इक्वल टू N1 RT, ठीक है बेटा P1 इक्वल टू N1 RT, ये अलग कर दिया। ऐसे ही सेम B के लिए लगा दिया P2 V N2 RT, तो यहां से P2 को अलग कर लिया N2 RT by V। अब डॉल्टन का लॉ क्या कहता है, डॉल्टन का लॉ कहता है कि जो P टोटल होगा वो P1 प्लस P2 के बराबर होगा। तो आप P1 प्लस P2 की वैल्यू यहां पर रख दो, P1 प्लस P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, N1 RT by V plus N2 RT by V। देखो RT by V तो पूरा ही कॉमन है, अंदर क्या आ गया N1 plus N2, बोलो yes or no, ये आ गया ना, RT by V तो कॉमन है, N1 plus N2 हमारे पास आ गया। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन आ गई। तो अब मैंने क्या किया, देखो यहाँ फर्स्ट डिवाइड बाय 4 लिखा हुआ है, फर्स्ट डिवाइड बाय 4, 4 नहीं है बेटा, इसको 3 कर लेना आप, 4 नहीं है 3 कर लेना, ये क्या है 3 है, ठीक है ना, 4 नहीं है, इसको ध्यान रखना भाई, क्योंकि 4 नंबर की कोई इक्वेशन नहीं है हमारे पास, 4 नंबर की कोई इक्वेशन नहीं है, तो ये 3 है, ठीक है। अब समझो ये आ गई हमारी कौन सी थर्ड इक्वेशन, और वो है हमारे पास, ये हैं दोनों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन।
तो पहले 1/3 कर रहे हैं, 1/3 करने से क्या हो रहा है और 2/3 करने से क्या हो रहा है, देखो जैसे मैं 1/3 करूंगा तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, मेरे पास आएगा P1 by P total और ये आ जाएगा ऊपर N1 और देखो RT/V, यहां भी RT/V लिखा हुआ है और वहां पे भी RT/V है, ये रहा RT/V, तो दोनों RT/V तो कैंसिल हो गए, तो बचेगा क्या N1 upon N1 plus N2, देखो आप यही बच रहा है N1 upon N1 plus N2 और किसी के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल तो उसका मोल फ्रैक्शन होता है भाई, किसी के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल तो मोल फ्रैक्शन होता है, तो ये तो क्या आ गया, ये तो क्या आ गया, सिंपली A का मोल फ्रैक्शन आ गया हमारे पास, तो A का मोल फ्रैक्शन आ गया, इसका मतलब जो P1 होगा, P1 बराबर क्या होगा, ये हो गया पूरा आपका मोल फ्रैक्शन इंटू पी टोटल, कहानी समझ में आ गई, मोल फ्रैक्शन इंटू पी टोटल। अब देखो जब 2/3 करोगे तो 2/3 में कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो P2 by P total बराबर N2 by N1 plus N2, तो यहां से P2 कितना आ जाएगा, P2 आ जाएगा, ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एक्स बी इंटू पी टोटल। देखो बेटा सिंपल, दो तीन इक्वेशन बनाइए, एक बार 1/3 क्या है, एक बार 2/3 क्या है, पहली इक्वेशन में P1 का रिलेशन निकाला, दूसरी में P2 का और तीसरी में टोटल का, खत्म कहानी, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले हमको अच्छे से याद रखने, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना कि जो मोल फ्रैक्शन का ओवरऑल सम होता है ये हमेशा 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं कि बार बार मोल दिए, मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, किसी एक का फ्रैक्शन आप निकाल लो उसको दूसरे, और दूसरे को कैसे निकालोगे, जैसे मुझे मान लो x से पता है तो मैं x भी कैसे निकालूंगा, x भी हो जाएगा 1 - x है, तो दोनों के लिए अलग से ऐसे फॉर्मूले मत लगाना कि N1 upon N1 plus N2 कर रहे, नहीं एक का निकाल दिया ना तो दूसरे का 1 में से माइनस करके निकाल लो, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, आप क्वेश्चन देख लेते हैं, हम फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस When 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 44 ग्राम ऑफ CO2 आर मिक्स्ड इन अ कंटेनर एट 10 atm प्रेशर। देखो 10 atm का टोटल प्रेशर दिया हुआ है, 4 ग्राम हाइड्रोजन के दिए हुए हैं और 44 ग्राम CO2 के दिए हुए हैं और हमें पार्शियल प्रेशर पूछ रहा है। तो देखो भाई कैसे निकाल रहे हैं, ध्यान से देखना भाई, हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं किसके, हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन के मोल फ्रैक्शन के लिए हाइड्रोजन के मोल्स तो चाहिए ना, तो हाइड्रोजन के मोल्स निकाल लेते हैं। तो 4 by 2 upon 4 by 2 plus 44 by 44, देखो आप भाई हाइड्रोजन और CO2 के मोल कितने आएंगे, हाइड्रोजन के मोल निकालोगे तो कितने आएंगे, 4 by 2, CO2 के मोल निकालोगे कितने आएंगे, 44 by 44, तो यही तो रखा है हमने बेटा। देखो आप, तो यहां पर ये कितना आ जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 2 plus 1 मतलब 3, ये आ गया मोल फ्रैक्शन। XH2 इतना आ रहा है तो XCO2 कितना आ जाएगा, 1 में से माइनस कर दूं इसको, तो ये 1 - 2/3 कितना हो गया, 1/3, एक का निकाल दिया ना, एक का निकाल दिया तो 1 में से माइनस करके दूसरे का निकाल देंगे, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन के मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अब हाइड्रोजन के मोल फ्रैक्शन आ रहे हैं कितने, 2/3, टोटल प्रेशर है 10, तो आंसर आ जाएगा 20/3 atm। ये हाइड्रोजन जो लगा रही है, ये प्रेशर कौन लगा रही है, हाइड्रोजन इंडिविजुअल प्रेशर लगा रही है, कितना, 20/3, ठीक है बेटा, ये 20/3। अब CO2 का भी निकाल लेते हैं, CO2 में x ऑफ CO2 इनटू टोटल प्रेशर, तो x ऑफ CO2 है 1/3, टोटल है 10, तो सॉल्व करो तो 10/3 atm, बोलो यस और नो भाई, ये कहानी समझ में आ गई, एक ये आ गया और एक आंसर हमारे पास ये आ गया, 20/3 और 10/3, क्लियर। चलो नेक्स्ट पर बढ़ जाओ, क्लियर है, क्लियर हो गया, पार्शियल प्रेशर वाला क्लियर है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। नेक्स्ट हम आ गए हैं बेटा ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन पर, ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन पर, क्या है ये इफ्यूजन, क्या है ये डिफ्यूजन, अभी समझ लेंगे। देखो डिफ्यूजन का मतलब भी सेम है और इफ्यूजन का मतलब भी सेम है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है, छोटा सा है, बिल्कुल बहुत छोटा सा, नन्ना मुन्ना सा डिफरेंस है। कैसे, डिफ्यूजन की डेफिनेशन पढ़ो आप, क्या लिखा हुआ है, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ, क्या लिखा हुआ है, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। स्पॉन्टेनियस फ्लो का मतलब है अपने आप होगा, कहां से कहां होगा, जहां कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी वहां से लो कंसेंट्रेशन, मतलब गैस के पार्टिकल हाई कंसेंट्रेशन से उड़ के लो कंसेंट्रेशन की तरफ आएंगे, कैसे, अपने आप,
उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। जैसे डीओ लगाते हो ना आप, तो डीओ अगर आप इस कमरे में लगाओगे, एक कमरे में डीओ लगाते हो, तो थोड़ी देर बाद आप जब किसी दूसरे कमरे में जाओगे, आपने बहुत सारा डीओ लगा लिया, बढ़िया एकदम चकाचक बन के जा रहे हो शादी में, ठीक है ना। तो बढ़िया हमने चकाचक एकदम डीओ लगा लिया, शादी में जा रहे हैं, बहुत सारा डीओ लगा लिया, तो हाई कंसंट्रेशन में लगा लिया, तो वहां से हाई कंसंट्रेशन के पार्टिकल बाहर आए। अब वो थोड़ी देर बाद क्या होगा, किसी दूसरे कमरे में जब कोई दूसरा बंदा जाएगा, आपका भाई या आपके पापा या मम्मी जाएंगे, तो वो कहेंगे यार ये डीओ की स्मेल कहां से आ रही है, तो डीओ की स्मेल कहां से आई है, जो आपने लगाई है वही वहां पहुंच गई है। बात समझ में आ रही है, वो डीओ जो वहां है वो कौन सी है, जो आपने लगाई है। क्योंकि हुआ क्या कि एयर का पार्टिकल जहां पर आपने लगाई वहां पर तो हायर कंसंट्रेशन थी, तो धीरे धीरे वो धीरे धीरे ट्रेवल करके, हवा के साथ ट्रेवल करके कहां पहुंच गया, लोअर कंसंट्रेशन पर पहुंच गया। तो अपने आप पहुंचा ना, अपने आप हवा के द्वारा, हमने थोड़ी उसको गोदी में उठा के लेकर गए, ठीक है बेटा। तो हमने क्या किया, हायर कंसंट्रेशन से उसको कहां ले गए, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ले गए। इसका मतलब वो फ्लो कैसा हुआ, स्पॉन्टेनियस हुआ, मतलब वो क्या है, डिफ्यूजन है। तो जब भी इसको ध्यान रखना है, कौन सा एग्जांपल, डीओ फॉग का रख लेना यार, क्या चल रहा है आजकल, फॉग ही तो चल रहा है, ठीक है। तो डीओ वाला एग्जांपल हम यहां पर ध्यान रख लेंगे, ठीक है। दूसरा आ जाओ आप इफ्यूजन, इफ्यूजन में भी आप पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यहां तक तो बिल्कुल सेम है, अपने आप होगा और हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गैस के पार्टिकल ट्रेवल करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे, थ्रू अ पिन होल या स्मॉल होल, ठीक है ना, छोटे से छेद से वो पार्टिकल निकलेंगे। जैसे टायर का पंचर होना, जब टायर बेटा पंचर हो जाता है तो टायर के अंदर गैस की हाई कंसंट्रेशन है और बाहर गैस की लो कंसंट्रेशन है, तो जैसे उसमें कोई कील घुसती है तो हवा धीरे 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 करके वहां से निकलती है। निकल कहां से रही है, हायर से लोअर की तरफ ही निकल रही है, और कैसे निकल रही है, अपने आप निकल रही है, ठीक है, अपने आप निकल रही है। इसलिए कौन सा फ्लो हो गया, स्पॉन्टेनियस फ्लो, और कहां से, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ एक पिन चुभोने से निकल रही है। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो इफ्यूजन और डिफ्यूजन बिल्कुल सेम है, इफ्यूजन में छोटे से छेद से निकलती है, डिफ्यूजन में नॉर्मली डिफ्यूज होती है, डिफ्यूज मतलब फैलना, ठीक है बेटा। चलो इफ्यूजन का मतलब भी फैलना ही है, बस छोटे से होल से फैलेगी वो, ठीक है। चलो अब इसका लॉ हम समझ लेते हैं, लॉ क्या है। तो जो डिफ्यूजन है भाई, डिफ्यूजन की कोई ना कोई तो रेट होगी ना, किस रेट से मेरा पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है भाई। एयर का पार्टिकल अगर हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जा रहा है तो कैसे जा रहा है, वही तो हम बताएंगे। तो देखो, द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन दोनों के बारे में एक ही लॉ है भाई, अलग से कोई लॉ नहीं है इफ्यूजन का, डिफ्यूजन इफ्यूजन एक ही है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगी आर ओ डी, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल आर से, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी रूट डी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी अंडर रूट मोलर वेट के, ठीक है। अंडर रूट मोलर वेट के ये वाला, ठीक है, किस पर है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर। ये वाले किस पे है, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर है भैया, टेम्परेचर एंड प्रेशर पर है। लेकिन अगर जब सिर्फ टेम्परेचर ही कांस्टेंट होगा तो ये नीचे वाला लगाएंगे, जब सिर्फ टेम्परेचर ही कांस्टेंट होगा। यहां पर देखो आप, टेम्परेचर ही है, यहां दोनों थे, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो हमको ये लगाना पड़ेगा, कौन सा, पी वाला, पी भी इसमें कनेक्ट हो जाएगा। आर इज प्रोपोर्शनल टू P बाई रूट डी, या फिर हम बोलेंगे P बाई रूट MW, ठीक है बेटा, ये कहानी है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जब भी आपसे पूछा जाए, आप क्या बोलोगे, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे अंडर रूट डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और अंडर रूट MW मतलब मोलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब सिर्फ टेम्परेचर पर होगा तो P बाई रूट डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली बोल सकते हो ना, P बाई रूट डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या P बाई रूट MW के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जब कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होगा। चलिए बेटा नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, अगली स्लाइड नेक्स्ट पर देखिए आप। दो गैसेज हमने ले लिए, गैस वन और गैस टू, जहां पर रेट्स हमने डिफाइन किए R1 और R2, मोलर वेट M1 और M2। तो ये रिलेशन बेसिकली आ जाएगा, ये वहीं से आ रहा है आपका, कहां से, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट MW, ठीक है। तो हम बोलेंगे R1 बाई R2 बराबर अंडर रूट मोलर वेट 2 अपॉन मोलर वेट 1, ठीक है, मोलर वेट 2 और मोलर वेट 1। इफ प्रेशर इज डिफरेंट, अगर प्रेशर डिफरेंट हो गया, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, यहां पर तो क्या है, कांस्टेंट टी एंड कांस्टेंट पी, ये लिखा हुआ है भाई, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कांस्टेंट
टी एंड पी, लेकिन अगर सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तो रिलेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, आर वन बाई आर टू बराबर पी वन बाई पी टू इंटू अंडर रूट एम टू बाई एम वन। क्लियर? रिलेशन कैसा हो जाएगा, एम टू बाई एम वन। थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, एम टू बाई एम वन। क्लियर बेटा? ये एम टू बाई एम वन, ठीक है। ये किस पर है? ये है बेटा केवल कांस्टेंट टेम्परेचर पर। क्लियर? चलो नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन, किस किस की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, CO2 और SO2 की। तो मोलर वेट चेक कर लो भाई, हाइड्रोजन के मोलर वेट, मोलर वेट्स को चेक करते हैं हम। मोलर वेट हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के लिए देखोगे तो 2, ऑक्सीजन के लिए देखोगे 32, CO2 के लिए 44, और इसके लिए 32 और 32 64, 16 दूनी 32 और 32 64 है ना भाई, तो ये 44 44, और SO2 के लिए 32 और 32 64। तो आप देखो रेट क्या है बेटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर वेट के। अरे यार सीधी सी बात है ना, जो गैस जितनी ज्यादा भारी होगी वो धीरे धीरे जाएगी, जो हल्की होगी वो फटाफट चली जाएगी, सीधी सी बात है। तो ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन सबसे तेज, फिर नंबर आएगा किसका, हाइड्रोजन का, तो सबसे तेज में नंबर आ गया क्योंकि तो बहुत हल्की है, 2 ही तो ग्राम इसका मोलर वेट है, तो हाइड्रोजन सबसे जल्दी भागेगी, हाइड्रोजन सबसे जल्दी भागेगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, हाइड्रोजन आपकी बेटा सबसे अच्छे से भागेगी, फिर ऑक्सीजन भागेगी, फिर CO2 भी तो भागेगी, और सबसे लास्ट में SO2 भागेगी। कौन भागेगी? SO2 भागेगी। कौन भागेगी? SO2 भागेगी, ठीक है। चलो बढ़ो नेक्स्ट। अब हमें पूछा हुआ है कंपेयर द रेट ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4 विद रेस्पेक्ट टू SO2 एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। SO2 और CH4 का रेट कंपेयर करा रहा है, तो रेट कंपेयर कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो भाई फटाफट से कर लेते हैं, R of CH4 upon R of SO2 बराबर अंडरवुड मोलर वेट ऑफ SO2 अपॉन मोलर वेट ऑफ CH4। देखो भाई फटाफट से करा लेते हैं, R ऑफ CH4 अपॉन R ऑफ SO2 बराबर M ऑफ SO2। मोलर वेट ऑफ SO2 कितना है? 64। CH4 कितना है? 16। 16 से 64 कट गया 4 बार, अंडररूट 4 मतलब 2। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं जो CH4 है वो दुगनी रेट से भागेगी, किससे? R ऑफ SO2 से। ये रिलेशन आ गया हमारे पास, ठीक है, हमारे पास रिलेशन आ गया RCH4 बराबर 2 इंटू आर SO2। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाइए फटाफट से बेटा। अगला हमको क्या दिया हुआ है, द बॉटल ऑफ ड्राई अमोनिया एंड अ बॉटल ऑफ ड्राई HCl कनेक्टेड थ्रू अलोंग ट्यूब आर ओपन्ड साइमल्टेनियसली एट बोथ एंड्स। दोनों एंड से क्या है, साइमल्टेनियसली ये खुल सकती है, बोथ एंड्स। द व्हाइट फ्यूम्स ऑफ द NH4Cl, NH4Cl के व्हाइट फ्यूम्स पहले कहां मिलेगी? अब देखो भाई, देखना ध्यान से इस क्वेश्चन को, ये देखो आप, ये इस तरह की कोई ट्यूब है बेटा, ऐसी कोई ट्यूब है हमारे पास, ठीक है, जहां पर हमने एक जगह पर तो भरी हुई है अमोनिया और एक जगह पर हमने भरी हुई है HCl, ठीक है, जहां पर एक जगह पर है अमोनिया, एक जगह पर है HCl। अब देखना भाई, अब दोनों कैसे क्या करेंगी, भागेंगी, ट्यूब है ना, तो ऐसे 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 करके भागेंगी दोनों, ये ऐसे भाग रही है, ये भी भाग रही है इधर से आके, ये पूरी ट्यूब में ऐसे भागेगी, ठीक है, ये आपकी इस तरीके से दोनों गैसेस ट्रेवल कर रही हैं, ये इधर से ट्रेवल कर रही है, ये इधर से ट्रेवल कर रही है। तो हमें पूछा हुआ है कि NH4Cl की जो व्हाइट फ्यूम, देखो NH3 और HCl जब रिएक्ट करेगा, NH3 और HCl बेटा जब रिएक्ट करेगा तो बनने वाला क्या है, NH4Cl, और जो व्हाइट फ्यूम्स की बात की जा रही है, व्हाइट फ्यूम्स, वो व्हाइट फ्यूम जो बनती है ना वो NH4Cl की ही बनती है, किसकी बनती है, NH4Cl की ही बनती है बेटा, है ना। तो अब पूछा जा रहा है कि NH3 और HCl में से कौन से एंड के पास, कौन से, अमोनिया के एंड के पास या HCl के एंड के पास, कौन से एंड के पास NH4Cl बनके व्हाइट फ्यूम्स हमको मिलेगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कौन जल्दी भागेगी, भाई जिसका मोलर वेट कम होगा वो जल्दी भागेगी। रेट ऑफ डिफ्यूजन को कंपेयर कर लेते हैं, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर वेट, जिसका मोलर वेट ज्यादा उसकी रेट कम, तो आर
हम देखते हैं मोलर वेट अमोनिया का और CH4 का बेटा। तो मोलर वेट देखो आप, यहां अगर मैं मोलर वेट की बात करूं तो ये है 17, यहां अगर मोलर वेट की बात करूं तो ये है 36.5। तो मोलर वेट HCl का ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है। तो मोलर वेट किसका ज्यादा है? HCl का ज्यादा है। किससे ज्यादा है? अमोनिया से ज्यादा है बेटा। तो जिसका मोलर वेट ज्यादा है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, धीरे धीरे भागेगी वो। तो R ऑफ HCl धीरे भागेगी किससे? R ऑफ अमोनिया से। तो इसका मतलब अमोनिया तो फटाफट से भाग जाएगी, ये तो तुरंत ट्रेवल करेगी, और यहां पर कहीं पर आपकी क्या बनेगी? व्हाइट फ्यूम्स बनेगी। ये जो बन रही है क्या बन रही है बेटा? ये आपकी बन रही है व्हाइट फ्यूम्स, ठीक है। ये आपकी क्या बन रही है? व्हाइट फ्यूम्स। ये यहां पर आपकी व्हाइट फ्यूम्स बन रही है ना, किसकी? NH4Cl की, क्लियर। ये आपकी यहां पर क्या बन जाएंगी? व्हाइट फ्यूम्स बन जाए। अब देखो आप व्हाइट फ्यूम, अमोनिया तेजी से भाग रही है, अमोनिया तो बहुत तेजी से, ये अमोनिया है ये HCl है, अमोनिया तेजी से भाग गई, HCl थोड़ा धीरे भागी। तो यहां पर जाके मतलब HCl के एंड के पास क्या बनेगा? अमोनिया तो तेज भागेगी ना बेटा, तो HCl के एंड के पास क्या बनेगा? व्हाइट फ्यूम्स बन जाएगी। तो हम बोल देंगे नियर HCl एंड, क्लियर। चलो नेक्स्ट हम आ जाते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन के कुछ फॉर्म्स हैं। फॉर्म्स क्या हैं? देखो एयर का पार्टिकल या तो मोल की टर्म्स में ट्रेवल कर सकता है, या कितना वॉल्यूम ट्रेवल कर सकता है, या कितनी डिस्टेंस, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। तीनों ही चीजें टाइम के रेस्पेक्ट में है। कितना मोल कितने टाइम में गया, कितना वॉल्यूम कितने टाइम में गया, कितनी लेंथ या कितनी डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हुई। बात समझ में आ गई, क्लियर। चलो देखना भैया, अब आप ध्यान से देखना, वॉल्यूम फ्लो रेट हमें आर की तीन चीजें बताई गई हैं। कितने वॉल्यूम कितना टाइम है, मतलब आर को हम वी बाई टी भी लिख सकते हैं, आर को हम मोल पर टाइम भी लिख सकते हैं, आर को हम लेंथ पर टाइम या डिस्टेंस पर टाइम भी लिख सकते हैं। तो दो गैसेस के लिए एक सेट तो ये है, एक सेट पूरा ये है, R1 R2 V1 V2 N1 N2 है ये V1 V2 N1 N2, ठीक है ना। और डिस्टेंस के लिए आप D1 D2 को यूज ना करके L1 और L2 को यूज करो, क्योंकि फॉर्मूला हमने यहां पर L से बनाया है ना बेटा। तो डिस्टेंस के लिए आप या लेंथ के लिए आप L1 और L2 को यूज करो, ठीक है, और टाइम के लिए T1 और T2 को, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब इसके फॉर्मूले कनेक्ट कर लेते हैं। तो फॉर्मूले कैसे कनेक्ट करोगे? देखो अगर मुझे वॉल्यूम में बनाना है तो वॉल्यूम बाय टाइम, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो वॉल्यूम का बना के बता देता हूं आपको, ताकि आप मोल का और लेंथ का इजीली बता पाओगे। अब समझना भाई, R1 बाई R2 बराबर क्या होता है? मोलर वेट 2 अपॉन मोलर वेट 1 होता है बेटा, मोलर वेट 2 अपॉन मोलर वेट 1 होता है। ध्यान से देखो फटाफट से, ये हो जाएगा V1 बाई T1, ये हो जाएगा V2 बाई T2, ये हो जाएगा मोलर वेट 2 अपॉन मोलर वेट 1, क्लियर। तो यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि V1 बाई V2, ये T2 ऊपर जाएगा तो ये हो गया T2 बाई T1 बराबर अंडर रूट मोलर वेट 2 अपॉन मोलर वेट 1। देखो आप, ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास, V1 बाई V2 इंटू T2 बाई T1 अंडर रूट मोलर वेट 2 अपॉन मोलर वेट 1, क्लियर। क्लियर हो गई ये बात? तो ऐसा ही बिल्कुल मोल का बन जाएगा। मोल के लिए क्या होगा? N1 बाई N2 T2 बाई T1 अंडर रूट मोलर वेट 2 मोलर वेट 1। सेम यहां पर लेंथ का बन जाएगा, लेंथ का आप यहां लिख लीजिए L1 L2 T2 T1 अंडर रूट M2 अपॉन M1। बात समझ में आ गई? ये लेंथ का फॉर्मूला, ये मोल का फॉर्मूला, और वो वॉल्यूम का फॉर्मूला, क्लियर। ये कहानी है भाई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमको ध्यान रखने हैं, एक तो ये वाला और ये वाला। चलो भाई नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़िया फटाफट से। नेक्स्ट हमको क्या बोला गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, 50 ml ऑफ गैस ए डिफ्यूजेस थ्रू अ मेम्ब्रेन इन अ सेम टाइम एज फॉर द डिफ्यूजन ऑफ द 40 ml। जितनी देर में 50 ml गैस किसी मेम्ब्रेन से निकलती है, उतनी ही देर में 40 ml गैस भी उस मेम्ब्रेन से निकल जाती है, और 40 ml बी निकलती है। 50 ml तो ए निकल गई और 40 ml बी निकलती है, लेकिन टाइम दोनों का समान है बेटा, मतलब T1 और T2 तो इक्वल हो गया। अब हमें पूछा हुआ है मोलर वेट ए तो दिया हुआ है, मोलर वेट बी पूछा हुआ है। तो समझ लेते हैं हम, V1 बाई V2 T2 बाई T1 बराबर मोलर वेट 2 बाई मोलर वेट 1,
ठीक है। अब देखो टाइम के लिए हमको क्या बोला है, टाइम जो है वो सेम है। जब बेटा टाइम सेम है इसका मतलब T1 और T2 तो क्या हो गए, बराबर बराबर हो गए, मतलब इस रेशो का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो 1 हो गया। अब V1 V2 रख लो आप, V1 की वैल्यू 50, V2 की वैल्यू 40, 2 वाला मतलब B वाला हमको निकालना है और ये वाला हमको दिया है, ठीक है। 2 वाला हमको निकालना है और 1 वाला मतलब A वाला हमको दिया है, सॉल्व कर लो आप इसको, ये हो गया 5/4, 5/4 हो गया, तो स्क्वायर ले लेते हैं तो 25/16 और ये हो जाएगा मोलर वेट 2/64, 16 से ये 4 बार कट जाएगा और 25 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 100 हो जाएगा, मतलब M2 मतलब B का मोलर वेट, मोलर वेट ऑफ B ये हो जाएगा आपका 100, ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा बेटा आपका, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट पढ़ जाए हम, नेक्स्ट हमको क्या दिया हुआ है ध्यान से देखो, अ फुटबॉल ब्लैडर कंटेन्स 4:1 प्रोपोर्शन ऑफ, फुटबॉल ब्लैडर कंटेन्स 4:1 प्रोपोर्शन ऑफ H2 एंड O2, फाइंड द कंपोजिशन बाय मोल्स, कंपोजिशन बाय मोल्स H2O2 ऑफ द मिक्सचर इफ्यूजिंग आउट ऑफ द पंचर्ड फुटबॉल। कोई फुटबॉल है जो पंचर हो गई, अब पंचर हो गई तो उसमें से गैस धीरे धीरे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रही है, मतलब ये इफ्यूजन है, ये बात समझ में आ गई। तो कितनी गैस बाहर निकली, इफ्यूज आउट बोला है ना बेटा, इफ्यूजिंग आउट का मतलब है कि फुटबॉल के ब्लैडर से कितनी गैस बाहर निकल गई, उसका हमें अमाउंट, उसका हमें रेशो पूछा गया है। और इनिशियली अंदर कितनी थी, ये कितनी थी 4:1 इनिशियली अंदर थी। अब देखना भाई, ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आप समझेगा। देखो N1 by N2, ठीक है, N1 by N2 है हमारे पास। आप समझना मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, हम जो रेट का फॉर्मूला बेटा यहां यूज कर रहे हैं, वो रेट का फॉर्मूला हम कौन सा यूज कर रहे हैं, पहले मैं रेट से जाता हूं तब आपको इजीली चीज समझ में आएगी, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं R1 भाई R2, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए जहां पर आपको इनिशियल मोल्स दिए जाते हैं तो कोई ना कोई तो यूज होगा ना इनिशियल मोल्स का, तो हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उसको आप ध्यान से देखो, R1 by R2 बराबर P1 by P2 into अंडरवुड मोलर वेट 2/ मोलर वेट 1, मोलर वेट 2/ मोलर वेट 1, इससे हम जनरेट कराएंगे, इससे हम फॉर्मूला जनरेट कराएंगे। कैसे कराएंगे ध्यान से सुनना, ये कौन सा फॉर्मूला, ये भी तो रेट ही को बताता है ना, लेकिन ये बताता किस पर है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर बताता है बेटा, किस पर बताता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर बताता है। अब आप ध्यान से सुनना भाई, देखो PV इक्वल टू NRT पर अगर हम जाएं तो PV इक्वल टू NRT, फुटबॉल ब्लैडर के वॉल्यूम की बात करूं तो ये तो कांस्टेंट होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, R भी क्या है कांस्टेंट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, टेम्परेचर हमने कांस्टेंट मान ही लिया है, इसको हम पहले ही कांस्टेंट कर चुके हैं। तो अब देखो P और N क्या है, प्रोपोर्शनल है, तो P इज प्रोपोर्शनल टू N होगा, इसका मतलब मैं P1 by P2 की जगह पर N1 by N2 इजीली पुट कर सकता हूं, P1 by P2 की जगह पर N1 by N2 पुट कर सकता हूं। अब आप ध्यान से देखना, थोड़ा सा यहां देखिएगा भाई, R1 by R2 बराबर P1 by P2 की जगह पर N1 by N2 अंडरवुड मोलर वेट 2/ मोलर वेट 1, ठीक है बेटा। तो R1 by R2 को ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, मैं लिख रहा हूं मोल N1 by N2 इनटू N1 by N2 इनटू T2 by T1 बराबर N1 by N2 बराबर अंडरवुड मोलर वेट 2/ मोलर वेट 1, ठीक है। अब आप क्या सोचोगे, सर यहां भी N1 by N2 है, यहां भी N1 by N2 है, तो काट दो दोनों को, काट दें दोनों को, ऐसी गलती भूले भुलाए मत करना, ऐसी गलती मत करना बेटा, नहीं तो आप कुछ भी नहीं निकाल पाओगे इस क्वेश्चन में, आप कुछ भी नहीं निकाल पाओगे अगर आपने N1 N2 को काट दिया, ठीक है। अब सुन लेना मेरी बात, ये जो N1 N2 है ये है इफ्यूज्ड आउट, कौन सा है जो बाहर निकलेगा वो है ये कौन सा है, ये है इनिशियली जो मिक्सचर में था, इनिशियल मिक्सचर में जो है ना ये वो है, ये इनिशियल मिक्सचर वाला है। तो T1 T2 के बारे में कुछ नहीं दिया है तो हम मान लेंगे T1 T2 बराबर हैं, हम क्या मान लेंगे T1 T2 बराबर है बेटा। तो अब देखो हमें ये निकालना है, इधर वाला N1 by N2 कौन सा,
ए फ्यूज डाउट हमको निकालना है। इनिशियली मिक्सर में कितना दिया हुआ है, 4:1 बेटा इनिशियली दिया हुआ है, ये वाला हमको दे रखा है। और मोलर वेट 2/1, 2 मतलब ऑक्सीजन, 1 मतलब हाइड्रोजन, तो 32/2 सॉल्व करोगे तो 16, अंडरवुड के अंदर 16 आएगा। इधर देखो अब आप इधर देखना भाई, ध्यान से देखना, यहां के बाद हम यहां पर देख रहे हैं N1 by N2, ये कौन सा फ्यूज्ड आउट, कौन सा है ये फ्यूज्ड आउट, वैल्यू क्या क्या आ रही है, एक तो आ रही है 4/1 और दूसरी क्या आ रही है अंडरवुड में 16 है, अंडरवुड में 16 मतलब 4/1, अंडरवुड में 16 मतलब क्या 4/1, तो 4 × 4 = 16, तो N1 by N2 कौन सा वाला फ्यूज्ड आउट वाला कितना आ गया 16:1। बात समझ में आ गई, तो हमको जो फॉर्मूला आप ध्यान रखना है वो कौन सा ध्यान रखना है, ये वाला। फुटबॉल ब्लैडर के क्वेश्चन को जब भी आपको करना है आप इसी फॉर्मूले से करोगे, इस फॉर्मूले से, ठीक है, इस फॉर्मूले को हमको ध्यान रखना है। ये तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 16:1, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, लेकिन फॉर्मूला हमको ये ध्यान रखना है, क्लियर, ध्यान से। इधर वाला जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो फ्यूज्ड आउट है, मतलब जो बाहर निकला N1 by N2 जो ये है, ये कौन सा इनिशियल मिक्सचर वाला है ना, ये इनिशियली मिक्सचर में कितना था, और ये है आपका अंडरवुड M2 by M1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़िए बेटा, नेक्स्ट हमें KTG काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ पोस्टुलेट हैं, फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या पोस्टुलेट हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट लगते किस पर हैं, आइडियल गैस इक्वेशन पर, आइडियल गैस इक्वेशन पर लगते हैं भाई। आइडियल गैस इक्वेशन के लिए बताए हुए पोस्टुलेट्स हैं, ध्यान से देखना क्या है, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये वर्ड काट के आप अट्रैक्शन कर लीजिए, अट्रैक्शन, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, ऐसा KTG हमें बताती है। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल का खुद का कोई वॉल्यूम नहीं होता है, इसको हम मानते हैं बेटा पॉइंट मास, गैस के मॉलिक्यूल को हम मानते हैं क्या पॉइंट मास, और पॉइंट मास होने की वजह से इसका कोई भी वॉल्यूम नहीं होता, ऐसा हमें KTG बताती है। ऐसा हमें कौन बता रही है, KTG बता रही है कि आइडियल गैस के इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का कोई वॉल्यूम नहीं है, मतलब हम इनको कंटेनर के वॉल्यूम, गैस के वॉल्यूम को किसके बराबर ले लेते हैं, कंटेनर के वॉल्यूम को बराबर ले लेते हैं। जैसे हमने गैस की प्रॉपर्टीज में देखा था कि कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर ही गैस का वॉल्यूम हो जाता है, ठीक है, तो वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। तीसरा, द मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज स्ट्रेट लाइन एंड रैंडम, इस तरह का मोशन होता है भाई, ये इस तरह का मोशन है ये, ठीक है, ये मोशन है भाई, ये ऐसा मोशन रहता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन या रैंडम मोशन, इसको बोलते हैं हम क्या, स्ट्रेट लाइन या फिर रैंडम मोशन बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है, रैंडम मोशन, ठीक है ना, ज़िगज़ैग मोशन जिसको बोलते हैं ना वो है ये, स्ट्रेट लाइन या रैंडम मोशन होता है, कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन या रैंडम मोशन, केओटिक मोशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तीसरा, कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल विद ईच अदर एंड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर इज परफेक्टली इलास्टिक, KTG बोलती है कि गैस का मॉलिक्यूल जब आपस में टकराता है या दीवारों के साथ टकराता है, किसके, कंटेनर की दीवारों के साथ टकराए या आपस में टकराए, वो परफेक्टली इलास्टिक होता है, मतलब वहां पर एनर्जी का लॉस नहीं होता है, क्या नहीं होता है, एनर्जी का लॉस बिल्कुल भी नहीं रहता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम हमेशा क्या रहेंगे, कंजर्व्ड रहेंगे। नेक्स्ट, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे गैस के मॉलिक्यूल को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, गैस का मॉलिक्यूल तेजी से भागेगा, ठीक है बेटा, तेजी से कोलिजन भी करेगा। तो हम यहां पर यही बोलते हैं कि जो एवरेज है, ये काइनेटिक एनर्जी कौन सी है, एवरेज है, ये कौन सी है बेटा, इसको हम बोलते हैं एवरेज, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है, क्लियर। चलिए बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन को हमने डिस्कस कर लिया था, डॉल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर्स भी हमने डिस्कस कर लिए थे, ठीक है, मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेशन भी हमने पार्शियल प्रेशर का देख लिया था। आज हम बेटा बेसिकली क्या डिस्कस कर रहे हैं,
रिलेशन बिटवीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी सा है, हमको सिर्फ रिलेशंस को ध्यान रखना है। क्या क्या रिलेशंस है आप ध्यान से देख लीजिए। लास्ट में केटीजी के पोस्टुलेट डिस्कस कर लिए थे और रिलेशन बिटवीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर आज हम देख रहे हैं। पहला रिलेशन एवरेज काइनेटिक एनर्जी का हमें एन मोल्स के लिए, ये किसके लिए बेटा, एन क्या है यहाँ पर मोल्स, आर गैस कॉन्स्टेंट है और टी क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन और 3/2 तो इज अ कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये क्या है आपका एन मोल्स के लिए बेटा, किसके लिए एन मोल्स के लिए है, किसके लिए है एन मोल्स के लिए। तो ये रिलेशन हमको ध्यान रखना 3/2 एन आर टी। नेक्स्ट हमें दिया हुआ देखो एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर एन मोल्स, ठीक है सेम चीज यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया हुआ पर मोल के लिए, पर मोल के लिए कितना हो जाएगा एन की जगह पर वन रख दो तो 3/2 आर टी। पर मॉलिक्यूल के लिए देखोगे तो एन ए मोल्स के, एन ए मॉलिक्यूल्स के लिए इतना है, एन ए मॉलिक्यूल्स के लिए पर मोल बोल रहा है ना, पर मोल का मतलब क्या है एन ए मॉलिक्यूल्स के लिए, एन ए मॉलिक्यूल्स के लिए बेटा जब इतना है, एन ए मॉलिक्यूल्स के लिए अगर इतना है बेटा तो एक मॉलिक्यूल कितना होगा डिवाइड बाय एन ए कर दे तो आर बाई एन ए, और आर बाई एन ए को हम क्या बोल देते हैं, इस आर बाई एन ए का एक नया नाम यहाँ पर आता है केबी, और केबी को बोला जाता है क्या बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको ये ध्यान रखनी है। क्लियर, तो यहाँ पर हमें ये फॉर्मुले ध्यान रखने पड़ेंगे 3/2 एन आर टी, 3/2 आर टी और 3/2 केबी इंटू टी। क्लियर, चलिए आर आपका गैस कांस्टेंट है, आर की वैल्यू यहाँ पर देखिए हमने केबी को जूल पर केल्विन में कैलकुलेट किया तो आर की वैल्यू 8.314 रखे। पढ़िए नेक्स्ट स्लाइड पर देखना भाई, नेक्स्ट हम एक ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। क्या बोल रहे हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, किसके बीच में बना हुआ ग्राफ है, ये जो ग्राफ बना हुआ है बेटा ये बना हुआ है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और स्पीड के बीच का ग्राफ है, किसके बीच का ग्राफ है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और स्पीड के बीच का ग्राफ है। बात समझ में आ रही है, देखो भाई दो तरह के ग्राफ आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं, ये किसी T1 टेम्परेचर पर बना हुआ ग्राफ है और ये किसी T2 टेम्परेचर पर बना हुआ ग्राफ है बेटा। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से देखना, तीन स्टेटमेंट हमने यहाँ पर देखे हुए हैं, क्या क्या है ये तीनों स्टेटमेंट ध्यान से समझेंगे हम। देखो पहला स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है, इस तरह का ग्राफ हमें दिख रहा है कि इस तरह का कोई ग्राफ है, ये जितनी भी स्पीड है ये अभी हमें सारी क्लियर हो जाएंगी। देखिए आप स्मॉल फ्रैक्शन, पहला पॉइंट मैं पढ़ रहा हूँ, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है वेरी लो एंड वेरी हाई वेलोसिटीज। कहने का क्या मतलब है कि ऐसे मॉलिक्यूल बहुत कम है जिनकी बहुत कम वेलोसिटी हो या जिनकी बहुत ज्यादा वेलोसिटी हो। बात समझ में आ रही है, बहुत कम वेलोसिटी और बहुत ज्यादा वेलोसिटी वाले बहुत कम मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत कम वेलोसिटी और बहुत ज्यादा वेलोसिटी वाले बहुत कम मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना, बहुत कम और बहुत ज्यादा। अब चलिए देखिए, देखना भाई स्पीड इस साइड पर बहुत कम है तो देखो पहले आप T1 वाले ग्राफ को, केवल इस वाले ग्राफ को देखिएगा और T2 वाले ग्राफ को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाना, अभी हम आएंगे उस पर भी। पहले T1 वाले ग्राफ को आप देखो तो आपको यहां पर कुछ दिखेगा, ये देखो बहुत कम मॉलिक्यूल्स जो है उनकी स्पीड बहुत कम है और बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल ऐसे नहीं है जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा वाले भी क्या है बहुत कम है, ये देखो भाई। बात समझ में आ रही है, तो बहुत कम वेलोसिटी वाले और बहुत ज्यादा वेलोसिटी वाला फ्रैक्शन क्या है बेटा, बहुत कम है मतलब मैक्सिमम मॉलिक्यूल इन दोनों के बीच में ही कहीं है, बोलो यस और नो। बहुत कम वेलोसिटी वाले और बहुत ज्यादा वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल बहुत कम है, इसका मतलब मैक्सिमम फ्रैक्शन कहां लाई कर रहा है, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, इस पार्ट में लाई कर रहा है। ठीक है, बढ़े आगे, नेक्स्ट कर्व बिकम फ्लैट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ा देने से कर्व क्या हो जाता है फ्लैट हो जाता है, थोड़ा सा एक्सपांड हो जाता है। देखना भाई जैसे ही हमने T1 और T2, अब आ गई इसकी बारी, हमने क्या किया है T2 को बेटा T1 से ज्यादा रखा है, तो कहने का मतलब क्या है, जैसे ही मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं मेरा कर्व क्या हो जाता है थोड़ा, देखो पहले कर्व ऐसा था अब ऐसा हो गया है, पहले कर्व क्या था ऐसा था अब ऐसा हो गया, मतलब थोड़ा फ्लैट हो गया और फ्लैट होकर के थोड़ा सा विड्थ में भी बढ़ गया है, थोड़ा सा क्या हो गया वाइड हो गया है, ये थोड़ा कम था ये क्या हो गया वाइड हो गया। बात समझ में आ रही है, तो देखो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे बेटा तो काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल की ये बढ़ेगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मतलब मॉलिक्यूल का स्पीड भी बढ़ रहा है, मॉलिक्यूल का क्या बढ़ रहा है बेटा स्पीड भी तो बढ़ रहा है, बोलो यस और नो। बात समझ में आ रही है, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रही है बढ़ रही है बेटा। ठीक है, तो जैसे ही आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो मेरा ग्राफ पहले ऐसे था अब थोड़ा ऐसे हो गया और वाइड हो गया है, आप देखो ग्राफ थोड़ा क्या हो गया वाइड हो गया, तो इसका कहने का मतलब है टेम्परेचर बढ़ाने से
ग्राफ क्या हो जाता है, थोड़ा फ्लैट हो जाता है। आप टेम्परेचर और बढ़ाओगे तो हो सकता है ग्राफ थोड़ा और नीचे आ जाए, फिर और बढ़ाओगे और नीचे आ जाए, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ेगी। क्लियर? चलो तीसरा पॉइंट, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैव मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इसका छोटा नाम हम ध्यान रखेंगे एमपीए। ज्यादातर मॉलिक्यूल की स्पीड कैसी है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के बराबर है। मतलब ज्यादातर जो मॉलिक्यूल है, मैक्सिमम मॉलिक्यूल किस स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, एमपीए से ट्रेवल कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। और वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हमने यहां पर शो की हुई है भाई, ये रही। ज्यादातर मॉलिक्यूल आप देखो यहीं पर, तो ज्यादातर मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आपको इस पार्ट पर, इस पार्ट पर जितने भी हैं बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल हैं, और मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या है, मैक्सिमम प्रोबेबल वेलोसिटी, मैक्सिमम प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है बेटा। क्लियर? बात समझ में आ गई? तीनों पॉइंट क्लियर हो गए, बहुत कम वेलोसिटी वाले, बहुत ज्यादा वेलोसिटी वाले, बहुत कम मॉलिक्यूल से। दूसरा, टेम्परेचर बढ़ाओगे कर्व क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, ठीक है। कर्व फ्लैट भी हो रहा है, वाइड भी हो रहा है, ठीक है, स्पीड बढ़ रही है, मॉलिक्यूल की स्पीड शिफ्ट हो रही है, बढ़ रही है। तीसरा, मैक्सिमम मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी स्पीड क्या है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के बराबर है, एमपीएस के बराबर है, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए अब हम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, जो पीछे ग्राफ में दो तरह की स्पीड आपने और देखी है, ये देखो एक स्पीड आपको ये दिख रही है, एक आपको ये स्पीड दिख रही है भाई, कौन सी वाली, एवरेज और एक बीआरएमएस, ये दो स्पीड आगे हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर वापस इस ग्राफ पर आएंगे। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड में पहली है बेटा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की डेफिनेशन क्या है, द स्पीड पजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द गैस एट गिवन टेम्परेचर, किसी गिवन टेम्परेचर पर जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल स्पीड दर्शाते हैं, शो करते हैं, उसको बोलते हैं एमपीएस। इसका फॉर्मूला हमको ध्यान रखना है, अंडर रूट 2RT बाय n। नेक्स्ट, एवरेज वेलोसिटी, इट इज गिवन बाय अरिथमेटिक मीन ऑफ डिफरेंट वेलोसिटी पजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस एट गिवन टेम्परेचर। किसी गिवन टेम्परेचर पर मैक्सिमम मॉलिक्यूल जो स्पीड दिखाते हैं उनका अगर मैं अरिथमेटिक मीन कर दूं, जो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी दिखाते हैं उनका अगर अरिथमेटिक मीन कर दें, तो ये आंसर आता है 8RT बाय पाई एम का अंडर रूट, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर, पहली कंप्लीट दूसरी कंप्लीट। रूट मीन स्क्वायर में क्या है, द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्पीड, स्पीड का स्क्वायर डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज का स्क्वायर करना है, उसका मीन लेना है, देन उसमें क्या कर देना है, स्क्वायर रूट लगा देना है, तो आंसर आता है ये अंडर रूट 3RT बाई एम, ठीक है, अंडर रूट 3RT बाई एम, VRMS बराबर अंडर रूट 3RT बाई एम। क्लियर हो रही है बात, अंडर रूट 3RT बाई एम, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, एमपीएस अंडर रूट 2RT बाई एम, फिर है अंडर रूट 8RT बाई पाई एम, फिर है आपका अंडर रूट 3RT बाई एम। क्लियर? चलो अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा भाई, ठीक है। इसका मैं अब आपको वापस पीछे वाले ग्राफ पर लेकर जा रहा हूं, पीछे वाले ग्राफ पर हम कुछ चीजें देखेंगे, देखना भाई। वी एमपीएस का फॉर्मूला हमने क्या दिया है, अंडर रूट 2RT बाई एम, ठीक है बेटा। दूसरा, हमने वी एवरेज का क्या दिया है, हमने दिया अंडर रूट 8RT बाई पाई एम। तीसरा, हमने VRMS का फॉर्मूला हमने क्या दिया, 3RT बाई एम। बोलो यस और नो, यहां तक की कहानी क्लियर है क्या? अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनना भाई। ये तीनों स्पीड VMPS, ठीक है, ये तीनों स्पीड है VMPS, दूसरा है वी एवरेज और तीसरा है VRMS, ठीक है, क्लियर। देखो अब आप देखो, VMPS सबसे पीछे की स्पीड है, मतलब यहां पर ये सबसे लोअर है, उससे आगे जाओगे वी एवरेज वाला पॉइंट मिलेगा, फिर आगे जाओगे तो वी आरएमएस मिलेगा। मतलब वी एमपीएस सबसे छोटी है, उसके बाद वी एवरेज आ रही है, और वी आरएमएस सबसे ज्यादा आ रही है। वो हमें यहां से समझ में आ जाएगा भाई, वो हमें बिल्कुल यहां से समझ में आ जाएगा। मैंने ये वाली चीज वहां पर लिख रहा हूं, अब आप ध्यान से देखना, इसको थोड़ा सा हम यहां पर रिमूव कर रहे हैं, देखना बेटा ध्यान से देखना मेरी बात को, यही वाली सेम चीज मैं वहां पर रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। तो वी MPS, दूसरा वी एवरेज, तीसरा VRMS, थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं इसको, VRMS, ठीक है, VRMS, ओके भाई। तो VRMS, VMPS, VAverage, VRMS, ठीक है। MPS का फॉर्मूला जरा बताना, अंडर रूट 2RT बाई एम, ऊपर लिखे हुए सारे फॉर्मूले, ये रहे। अगला,
वी एवरेज क्या है बेटा? वी एवरेज है अंडर रूट 8 आर टी बाई पाई एम। अगला अंडर रूट वी आर एम एस मतलब 3 आर टी बाई एम, अंडर रूट 3 आर टी बाई एम। ठीक है, किसी गिवन टेम्परेचर पर है तो टेम्परेचर सब में कॉन्स्टेंट हो गया, मतलब मैं ये रेशियो ऐसा लिख सकता हूं अंडर रूट 2 बाई एम, ठीक है ना। और किसी गैस के लिए तो एम भी तो कॉमन हो गया, तो एम भी यहां से गायब कर देते हैं। तो देखो भाई आर टी बाई एम तो पूरा ही गायब हो गया, ठीक है, आर टी बाई एम तो बेटा पूरा ही गायब हो गया ना, आर टी बाई एम तो पूरा गायब हो गया, आर टी बाई एम यहां भी है, आर टी बाई एम यहां भी है, आर टी बाई एम पूरा गायब हो गया किसी गिवन टेम्परेचर पर किसी गिवन गैस के लिए। ये तो अंडर रूट 2 इज टू अंडर रूट 8 बाई पाई और ये हो गया अंडर रूट 3। अब ये रेशो क्या आ रहा है उसको ध्यान से देखना, ये रेशो आ रहा है 1.41 तो इसका आ जाएगा 1.414, ये आ जाएगा 1.59 और ये हो जाएगा 1.732। इसको सॉल्व करोगे तो ये आता है 1 पॉइंट, ये सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1, फिर आएगा 1 पॉइंट, देखते चलना भाई, फिर आएगा 1.125, ठीक है, और फिर आएगा 1.228। ये आता है हमारे पास फाइनली आंसर 1.125 और 1.228, क्लियर। 1:1.125 और 1.228, क्लियर, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई ना ये बात। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा डिवाइड करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पर क्या करो 1.6 से डिवाइड करके देख लो, ठीक है, तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। एग्जैक्ट रेशो हम चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, तो 14 से इसको डिवाइड कर देते तो 8 और 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 1 7, 8 में से 7 क्या 1 बचा, तो 1.1 समथिंग आ रहा है, 1.1 आ रहा है ना, फिर उसके बाद 7 1 7 फिर 1 कर जाएगा, ठीक है, तो 1.1 समथिंग आ रहा है ये। चलिए तो इसका मतलब हमने जो लिखा है दैट इज करेक्ट, क्लियर। तो ये रेशो आ रहा है, अब इस रेशो को आप ध्यान से देखो कि एमपीएस तो 1 आ रहा है, फिर एवरेज 1.125 आ रहा है और फिर वीआरएमएस 1.228 आ रहा है, मतलब वीआरएमएस सबसे ज्यादा है। अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूं तो मेरे पास ऑर्डर क्या आएगा बेटा, अगर मैं इसका ऑर्डर लिखने की कोशिश करूं तो ऑर्डर हमारे पास क्या आएगा, वीएमपीएस सबसे छोटा, फिर वी एवरेज बीच में और फिर वीआरएमएस सबसे बड़ा, यही तो ऑर्डर आएगा, बोलो यस और नो। 1.125 फिर 1.228, मतलब वीआरएमएस सबसे ज्यादा है, अरे रेशियो ही तो बता रहा है यार हमको, वीआरएमएस सबसे ज्यादा है, वी एवरेज बीच में और वीएमपीएस सबसे कम है। तो देखो आप वीएमपीएस ये रहा, उसके बाद आप आ जाओ इधर, उसके बाद आप आ जाओ ये रहा वी एवरेज और ये रहा वीआरएमएस, क्लियर। ये तीनों चीजें, ये एमपीएस, ये एवरेज और ये आरएमएस, एमपीएस एवरेज और ये आरएमएस, क्लियर, ये कहानी है, बात समझ में आ गई। तो मॉलिकुलर स्पीड में सबसे ज्यादा क्या होता है, वीआरएमएस, मैक्सिमम मॉलिक्यूल किससे चलते हैं, वीएमपीएस से चलते हैं, उसका नाम ही मोस्ट प्रोबेबल है, मतलब ज्यादातर ज्यादातर मॉलिक्यूल किससे ट्रेवल करेंगे, वीएमपीएस से ट्रेवल करेंगे, फिर वी एवरेज, फिर लास्ट में सबसे वी आरएमएस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, ये तो कंप्लीट हमने कर ही लिए, ये फॉर्मूले आपको बिल्कुल ध्यान ही रखने हैं भाई, ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर। नेक्स्ट इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं फटाफट से, तो देखिएगा बेटा ध्यान से क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। वी एवरेज ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस का वी एवरेज हमें 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.3 मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है 0.3 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है और वी एवरेज 927 पर पूछ रहा है। तो वी एवरेज का फॉर्मूला बताइए भाई, वी एवरेज बराबर अंडर रूट 8 आर टी बाई पाई एम, यही है अंडर रूट 8 आर टी बाई पाई एम। तो मैं यहां से ऐसा बोल सकता हूं कि जो वी एवरेज है बेटा, वी एवरेज 1 अपॉन वी एवरेज 2, वी एवरेज 1 अपॉन वी एवरेज 2, वी एवरेज 2 बराबर अंडर रूट टी 1 बाई टी 2, वी एवरेज 1 अपॉन वी एवरेज 2 बराबर अंडर रूट टी 1 बाई टी 2। तो वी एवरेज आपको दिया हुआ है 0.3 अपॉन वी एवरेज 2, वी एवरेज 2 अंडर रूट टी 1 बाई टी 2, T1 कितना है 27, मतलब कितना 300, 927 मतलब कितना 273 प्लस 927 1200 केल्विन, तो ये 1200 हो गया। सॉल्व करोगे तो ये 4 अंडर रूट के अंदर आएगा, तो बाहर कितना आएगा 2 आएगा, मतलब V एवरेज 2 एट 927 डिग्री सेंटीग्रेड 2 इंटू 0.3 0.6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा भाई, क्लियर। बहुत इजी से क्वेश्चन होते हैं, आराम से आप इसको कर लोगे, टेम्परेचर और मोलर वेट के रिलेशन से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। चलिए भाई नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं,
नेक्स्ट आ गया बेटा भाई रियल गैसेस। रियल गैस अभी तक का हम देखे डॉल्टन सुलाव पार्शियल प्रेशर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था बेटा, आइडियल गैस के क्वेश्चंस, फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर स्पीड हमने डिस्कस की। अब थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है भाई, रियल गैस का टॉपिक भी अभी रिसेंट ईयर्स में अगर आप देखोगे लास्ट 5 ईयर्स में तो रियल गैस पर काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो रियल गैस भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का टॉपिक है, तो इसको भी थोड़ा सा अच्छे से हम पढ़ेंगे, अच्छे से चीजों को समझेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है इसके अंदर वो अच्छे से समझेंगे। ठीक है, देखिए रियल गैस का मतलब क्या है, जो आइडियल से डिफरेंट होगी ये बात कंफर्म है बेटा, आइडियल से डिफरेंट होगी तभी वो रियल है। ठीक है, केटीजी के यहां पर लिखा हुआ 2 postulates ऑफ केटीजी डू नॉट होल्ड गुड। केटीजी के जितने भी पॉस्टुलेट है वो किसके ऊपर है बेटा, आइडियल गैस के हैं, बाकी पॉस्टुलेट तो ठीक है लेकिन उनमें से कोई 2 postulate ऐसा बोला गया है जो रियल गैस के लिए अप्लाई नहीं हो रहे हैं। कैसे नहीं हो रहे हैं, ध्यान से देखना। पहला पॉस्टुलेट यहाँ लिखा हुआ है, हमने केटीजी में ये पढ़ा था कि मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, यही लिखा हुआ ही है, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में बेटा अट्रैक्शन फोर्स नहीं है तो मॉलिक्यूल जो गैस का है वो लिक्विफाई कैसे हो रहा है, बात समझ में आ रही। किसी भी गैस को जब हम कंडेंस करते हैं तो वो लिक्विफाई होती है, ये हमको पता है, किसी भी गैस को जब बेटा हम कंडेंस करते हैं तो वो लिक्विफाई होती है, ये हमको बहुत अच्छे से पता है। तो अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं होगा, मॉलिक्यूल पास ही नहीं आएगा तो लिक्विफाई कैसे होगा। अरे हमारे पास जो गैस का सिलेंडर है घर के अंदर जो यूज करते हैं, दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड गैस उसके अंदर भरी हुई है कंडेंस करके, तो इसका मतलब वहां पर कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स तो है, बिना अट्रैक्शन के तो लिक्विफिकेशन पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूल पास ही नहीं आएगा तो लिक्विफाई कैसे होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये बात तो गलत हो गई कि कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, मतलब आइडियल गैस थोड़ा सा गड़बड़ कर रही है। दूसरा, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, हमने वहां पर मॉलिक्यूलर वॉल्यूम मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को बिल्कुल ही पॉइंट मास मान लिया था, तो पॉइंट मास मतलब उसका तो कोई वॉल्यूम ही नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर गैसेस लिक्विफाई हो रही हैं, गैसेस में अट्रैक्शन फोर्स है तो उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल तो नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप किसी गैस को प्रेशराइज करोगे तो उसकी कोई परफेक्ट साइज तो होगी ना भाई, तभी तो आप उसको क्या कर पाओगे, लिक्विफाई कर पाओगे, अदरवाइज आप उसको लिक्विफाई नहीं कर सकते। इसका मतलब गैस के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं होता है, क्लियर, नेग्लिजिबल तो बिल्कुल भी नहीं होता है, बात समझ में आ गई। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल, दोनों बातें क्लियर। चलो अब जब दो पॉस्टुलेट, दो इतने बड़े पॉस्टुलेट, मतलब अब हम क्या बोलेंगे कि जो गैस है अगर वो रियल गैस है तो उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है और उसका मॉलिक्यूलर वॉल्यूम नेग्लिजिबल भी नहीं है, दोनों बातें हम यहां पर बेटा आसानी से बोल सकते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनो, दो पॉस्टुलेट गलत हुए हैं तो कुछ नया तो इंट्रोड्यूस हुआ होगा ना, रियल गैस की पहचान बनाने के लिए कुछ नया तो इंट्रोड्यूस डेफिनेटली हुआ होगा, तो वो नया नाम है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है, पढ़िए आप, द डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। आइडियल गैस का बिहेवियर, द डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस, आइडियल गैस से जो डेविएशन होता है, आइडियल गैस से जो डिफरेंस आता है, उस डिफरेंस को, उस डेविएशन को, उस बिहेवियर को कौन समझाता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर समझाता है कि ये आइडियल ये रियल, दोनों को क्या कर दिया, डिफरेंशिएट करने का काम कौन करता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर करता है। इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, विच इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड मोलर वॉल्यूम टू द आइडियल मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम का मतलब बेटा एक मोल का वॉल्यूम, ठीक है, तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, मोलर वॉल्यूम जो वर्ड यहां पर आ रहा है इसको हम यहां रिप्रेजेंट करेंगे वीएम से, और वीएम का मतलब होता है एक मोल, मोलर वॉल्यूम का मतलब है एक मोल का वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम वीएम, और इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ गैस, वन मोल ऑफ गैस। इससे तो बिल्कुल भी कम नहीं हमें कंफ्यूज होना है कि मोलर का मतलब क्या, एक मोल गैस का जो वॉल्यूम है दैट इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम, और इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं वीएम बराबर वी बाई एन, ये फॉर्मूला हमारे पास है वीएम का, वी बाई एन पर मोल का वॉल्यूम है ये, पर मोल का, ठीक है, ठीक है, लीटर पर मोल बोल सकते हो आप, वॉल्यूम पर मोल, ठीक है। अब देखो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमें क्या बताता है, आइडियल गैस से डेविएशन शो करता है, ठीक है,
तो z बराबर हमने क्या मैथमेटिकल डेफिनेशन पढ़ी, हमने पढ़ा ऑब्जर्व्ड मोलर वॉल्यूम डिवाइड बाय आइडियल मोलर वॉल्यूम। तो ऑब्जर्व्ड मोलर वॉल्यूम को तो हमने ऐसा ही रखा हुआ, आइडियल मोलर वॉल्यूम को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, PV इक्वल टू nRT है बेटा, PV इक्वल टू nRT। देखो यहां पर मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं, V by n बराबर RT by P, और इसी V by n को हमने क्या बोला अभी, Vm बोला, तो Vm बराबर क्या RT by P, और ये Vm आ कहां से रहा है, आइडियल से आ रहा है ना, अरे ये आ कहां से रहा है, देखो आइडियल गैस इक्वेशन से ही तो आ रहा है। PV इक्वल टू nRT की जब हम बात कर रहे हैं तो Vn को मैंने यहां ले लिया, ठीक है, अब देखो आप बराबर RT by P, ये आया कहां से, आइडियल गैस इक्वेशन से, तो आइडियल मोलर वॉल्यूम हो गया, ये आइडियल मोलर वॉल्यूम हो गया, ये आइडियल मोलर वॉल्यूम, तो RT by P, क्लियर, ये है आपका आइडियल मोलर वॉल्यूम जो हमने यहां पर पुट किया हुआ है, क्लियर। तो ये कहानी होगी, ये P ऊपर जाएगा तो एक फॉर्मूला आपके सामने आ रहा है, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत नहीं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पी वी एम अपॉन आर टी, ये मैं यहां भी लिख देता हूं, जेड बराबर पी वी एम, और वी एम है यहां पर ऑब्जर्व अपॉन आर टी, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइडियल गैस से अगर जब भी आपको डेविएशन देखना, आप किसको याद करोगे, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को याद करोगे, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, ऑब्जर्व्ड मोलर वॉल्यूम अपॉन आइडियल मोलर वॉल्यूम होता है, ठीक है बेटा। निकालना कैसे है, पी वी एम ऑब्जर्व्ड अपॉन आर टी, ये जो आर टी बाई पी का फैक्टर यहां पर आया है, ये कहां से आया है, आइडियल गैस इक्वेशन से आया है, ये कहां से आया है, आइडियल गैस इक्वेशन से हमारे पास आया है, क्लियर। चलो आगे बढ़े, फॉर्मूला हमारे पास आ गया, अब हमें क्या करना है कि Z की कुछ स्टडीज करनी है, ठीक है, Z की कुछ वैल्यूज पर डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या करा, स्टडी की, ठीक है ना, कुछ थ्योरेटिकल स्टडी हुई, कुछ ग्राफिकल स्टडी हुई, और एक मैथमेटिकल स्टडी भी हुई। तो पहले हम कर रहे हैं थ्योरेटिकल स्टडी की, थ्योरेटिकल स्टडी से क्या हुआ, ठीक है, फिर उसको समझेंगे किससे, ग्राफिकल से, और फाइनली उसका रिजल्ट किससे कैलकुलेट करेंगे, मैथमेटिकल स्टडी से, क्लियर। तो Z पे ये तीन स्टडियां हम कर रहे हैं, थ्योरेटिकल स्टडी, ग्राफिकल स्टडी और मैथमेटिकल। पहली है आपकी थ्योरेटिकल स्टडी। अब थ्योरेटिकल स्टडी क्या है, ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से मेरी बात को सुनना और अच्छे से समझ लेना भाई इस चीज को, ठीक है ना, अच्छे से समझ लेना, देखना थ्योरेटिकल स्टडी में क्या है बेटा, z को हमने तीन वैल्यू में डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, z की वैल्यू या तो 1 होगी, या 1 से कम होगी, या तो 1 होगी बेटा, या 1 से कम होगी, या क्या होगी, 1 से ज्यादा होगी। अब आप पूछोगे सर 0 क्यों नहीं ली, तो अभी इस बात का जवाब मैं दे देता हूं कि जो z होता है वो होता है बेटा ऑब्जर्व्ड मोलर वॉल्यूम, यही तो पढ़ा हमने, अपॉन आइडियल मोलर वॉल्यूम, बोलो यस और नो, ऑब्जर्व्ड मोलर वॉल्यूम अपॉन आइडियल मोलर वॉल्यूम, यही तो हमने पढ़ा बेटा, यही तो अभी हमने पढ़ा, ऑब्जर्व्ड मोलर वॉल्यूम अपॉन आइडियल मोलर वॉल्यूम। अब आप सोचो अगर मैं जेड को जीरो कर दूंगा, मतलब इनमें से कोई ना, ये वाली टर्म, वॉल्यूम वाली टर्म क्या जीरो हो पाएगी क्या, सोचो आप, अरे वॉल्यूम किसी का भी, किसी भी गैस का वॉल्यूम जीरो हो सकता है क्या यार, नहीं हो सकता। इसका मतलब जेड की वैल्यू जीरो पॉसिबल नहीं है। हम इसको कहां से देखते हैं, वन से देखते हैं, जेड इक्वल टू वन, वन से छोटा या फिर वन से बड़ा, ये बात आप अभी से फिट कर लो दिमाग के अंदर, तीनों में थ्योरेटिकल, ग्राफिकल और मैथमेटिकल में यही देखने वाले हैं, वन के बराबर, वन से छोटा और वन से बड़ा, ठीक है। तो जब जेड की वैल्यू वन के बराबर होती है, जब जेड की वैल्यू, सोचो आप कि जब मैं जेड को वन के बराबर ही कर दूंगा, केस नंबर वन हम जो देख रहे हैं, जब जेड को हम केस नंबर वन में, केस वन में, ये हमारा केस वन है जिसमें हम जेड को वन कर रहे हैं, इसका मतलब जो वी एम ऑब्जर्व्ड होगा बेटा वो वी एम आइडियल के ही तो बराबर हो जाएगा, बोलो ना, अरे बोलो भाई, ये क्या हो जाएगा, वी एम ऑब्जर्व्ड वी एम आइडियल के बराबर हो जाएगा। अगर वी एम ऑब्जर्व्ड वी एम आइडियल मतलब दोनों के मोलर वॉल्यूम सेम हो गए, इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि रियल गैस बिहेव्स एज आइडियल गैस, बोलो यस और नो। जेड की वैल्यू जब वन हो गई, इसका मतलब आपने ऑब्जर्व्ड मोलर वॉल्यूम किसका, ऑब्जर्व वाला मतलब रियल गैस वाला, आइडियल गैस के बराबर कर दिया, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी लग गई ना भैया, पीवी इक्वल टू एनआरटी हम लगा सकते हैं, और पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा दी मतलब आप उस गैस को कैसा मान रहे हो, आइडियल मान रहे हो, मतलब हम बोलेंगे रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस जब जेड की वैल्यू वन होती है, ठीक है। ऐसी गैसेज जिनके लिए जेड की वैल्यू वन आती है
वो रियल गैस आइडियल गैस जैसा बिहेवियर करती है। तो जब आइडियल गैस बन जाएगी तो आइडियल गैस में तो कोई अट्रैक्शन नहीं होता, तो नो अट्रैक्शन, कोई रिपल्शन। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो भाई, मॉलिक्यूल में ऐसा नहीं है कि सिर्फ अट्रैक्शन ही अट्रैक्शन होता है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं तो सिर्फ अट्रैक्शन ही अट्रैक्शन है, वहां रिपल्शन भी लगते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ अट्रैक्शन ही लगेगा, रिपल्शन भी लगते हैं भाई। अब आइडियल गैस तो क्या बोलती है, कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है मतलब कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्शन ही नहीं है। लेकिन हम क्या मानते हैं कि रियल गैस में तो इंटरेक्शन होते हैं, अट्रैक्शन रिपल्शन सब होते हैं, लेकिन जेड इक्वल टू वन में रियल गैस आइडियल गैस बन गई तो उसमें कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, मतलब कोई अट्रैक्शन नहीं कोई रिपल्शन नहीं। क्लियर? तो ना कोई अट्रैक्शन ना कोई रिपल्शन, मतलब कोई डेविएशन या कोई लिक्विफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि अट्रैक्शन रिपल्शन ही नहीं है तो कहां से लिक्विफिकेशन होगा। आप गैस को लिक्विफाई ही नहीं कर पाओगे और कोई डेविएशन भी नहीं होगा, कोई डेविएशन ही देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि रियल गैस क्या बन गई है, आइडियल गैस बन गई है। नेक्स्ट आ जाइए भाई, जेड इज लेस देन वन जिन गैसेस के लिए बेटा आता है उसको हम बोलते हैं निगेटिव डेविएशन। क्या बोलते हैं? निगेटिव डेविएशन। जेड लेस देन वन को हमने नाम क्या दिया है, नेगेटिव डेविएशन नाम दिया है, जो हमें साइंटिस्ट ने प्रोवाइड किया है। ठीक है, जेड इज लेस देन वन नेगेटिव डेविएशन का काम करता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, ऐसी गैसें जिनके लिए जेड की वैल्यू एक से छोटी आती है उनको लिक्विफाई करना आसान होता है, उन गैसेस को लिक्विफाई करना आसान होता है। तो मैं ये बोल दूं क्या कि जेड लेस देन वन वाली गैसेज में अट्रैक्शन फोर्स रिपल्शन फोर्स से ज्यादा लग रहा होगा। भाई अट्रैक्शन लगेगा तभी तो गैस कंडेंस होगी, तभी तो लिक्विफाई होगी। तो अट्रैक्शन फोर्स रिपल्शन फोर्स से ज्यादा लग रहा है किस गैस के लिए, जो जेड से जेड इज लेस देन वन है, ऐसी गैसेस के लिए लिक्विफिकेशन आसान होता है, मतलब अट्रैक्शन रिपल्शन से बड़ा होता है। तीसरा हो भाई, जेड लेस देन वन हो गया, ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन को हम बोलते हैं बेटा पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, ऐसी गैसेस जिनके लिए जेड एक से बड़ा होता है उन गैसेस को लिक्विफाई करना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, ऐसी गैसेस जिनके लिए जेड की वैल्यू एक से बड़ी होती है उनको लिक्विफाई करना डिफिकल्ट है। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि इन गैसेस में अट्रैक्शन फोर्स तो कम लगेगा, रिपल्शन हाई लगेगा, अट्रैक्शन कम रिपल्शन हाई लगेगा। तो अट्रैक्शन फोर्स इज लेस देन रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स इज लेस देन रिपल्सिव फोर्स। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो क्या क्या याद रखोगे, जेड बराबर वन है तो रियल गैस आइडियल गैस है, कोई अट्रैक्शन नहीं कोई रिपल्शन नहीं कोई लिक्विफिकेशन नहीं कोई डेविएशन नहीं, लेस देन वन है तो नेगेटिव डेविएशन, लेस देन वन है तो नेगेटिव, लिक्विफाई करना आसान होता है, अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, ग्रेटर देन वन है तो पॉजिटिव, लिक्विफाई करना डिफिकल्ट है, अट्रैक्शन कम लगेगा, रिपल्सिव ज्यादा लगेगा।